श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। ताली बजाते हुए प्रेम से राम जी की छवि नर का क्या बड़ा समय हो बलवान और पीला अर्जुन वही बाण हरी साही राछाण के करे आन की आस ते नर जमपुर जाएंगे तेनर जमपुर जाएंगे सतभाषे रविदास सतभाषे रविदास श्री राम जय जाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मीठी मीठी तालियों की सेवा ओ श्री राम Sweet.
श्री राम जय राम जय जय हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। अखिल कल्याण गुण गण निलय परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह रससार सरोवर समद्भूत पंकज
पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती प्राणनाथ अवधनाथ समस्त सूर्यवंशियों के सम्राट रघुवंशियों के प्राण अनंत वैष्णवों के हृदय सनातन धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति आनंद रूपी सिंधु भगवान श्री राम के पावन कथामृत का दर्शन श्रवण पा रहे आप सभी परम वंदनीय श्रोताओं का भक्तिमती मातृ शक्तियों का मेरे मित्र बंधुओं परिकरों परिजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। अपनी समस्त चंचलताओं का हम समस्त क्रियाओं को विश्राम दे करके प्रभु की कथा में संलग्न होने का प्रयास करें। समस्त लोहिया परिवार द्वारा इस दिव्यमय आयोजन का आनंद ले रहे हैं, पंचम दिवस में सप्रेम प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है परम वंदनीय मातृशक्ति स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी जी की परम कृपा से उनके परम आशीष का यह फल कि हम श्रीमद श्री राम कथा का भी आनंद ले रहे हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब मैं यहां श्रीमद भागवत महापुराण का वाचन करने आया था तो भी माता जी की पुण्यतिथि या उनके परम आशीष के ही कारण से वो यज्ञ परिपूर्ण हुआ और आज इस यज्ञ का भी जो हम आनंद ले रहे हैं तो संजोग कितनी अद्भुत है, कितना अद्भुत संजोग है सज्जनों कि पंचम दिवस की इस पावन बेला के इस परम रम्यमय दिन में जहां प्रभु श्री सीताराम जी की कथा का भी हम आनंद लेंगे, आज परम वंदनीय माता श्री के पुण्यतिथि का भी सुअवसर है। पांचवी पुण्यतिथि है आज स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी जी के चरणों में मैं व्यास मंच से अनंत प्रणाम करता हूं, अनंत वंदन करता हूं और आप सब लोग भी उनके श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनको प्रणाम करें। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। थोड़ा सा गला पकड़ रहा है और विसल कर रहा है, दोनों दिखेगा। हमारे प्रभु अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के साथ में और लखनलाल के साथ में जनकपुर आ गए हैं। और वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज की, लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी लखन हृदय लालसा विशेषी
लक्ष्मण जी महाराज के मन में प्रबल इच्छा है कि वो जाकर के जनकपुर दर्शन करे। भाई जिस जनकपुर के प्रत्येक नर नारियों से हमें विवेक विनम्रता इनका ही दर्शन होता है तो जनक जी का ये अद्भुत जनकपुर दर्शन योग्य है। और लखनलाल का भी मन कर रहा है कि मैं जाकर के दर्शन करके आऊं, लेकिन क्या है बड़े भाई एवं गुरुदेव के डर से बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे हैं, सकुचा रहे हैं, थोड़ा सा भय है कि क्या पता बोलूंगा तो डांट पड़ जाएगी कि हम तो गुरु की सेवा के लिए आए हैं। है तो बालक ही, और मन में तो इस प्रकार की भावना जगी सकती है एक बालक को कि घूम के आ जाएं थोड़ा। सोचो आप शेष है, लेकिन इनकी इन्हीं विशेष क्रियाओं से श्री राम कथा का निर्माण हुआ है। और इन्हीं की नहीं, अन्य ऐसे न जाने कितने विशेष पात्र हैं जिनकी पात्रता को धारण अगर हम करें, किसी की भी कर लेंगे तर जाएंगे। केवल श्री राम जी, देखो वो तो ईश्वर है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर उस परम तत्व ने किसी को अपने पिता का दर्जा दिया है तो निश्चित रूप से उस पिता में कोई बात होगी। अगर उस रघुवंश शिरोमणि भगवान सर्वोच्च सत्ता ने किसी को अगर अपना भाई बनाया है तो निश्चित रूप में ही मस्ट हैव समथिंग, कुछ तो होगा। और ये देखो मर्यादा, हम इससे सीखें क्या, हम जिद ना करें, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने बड़ों से जिद करना ये एक लक्षण ठीक नहीं है एक उम्र में आ जाने के बाद। और ऐसी मर्यादा होनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं देखो किस प्रकार से लखनलाल के मन में इच्छा जरूर हो रही है लेकिन उस इच्छा को प्रकट नहीं कर रहे हैं। कितनी मर्यादा है, ऐसे कोई गलत मांग भी नहीं कर रहे। अगर हम ऐसे विचार करें तो क्या है घूम के आने की चाह, लेकिन फिर भी, और ऐसा होता भी है आज भी बहुत घरों में जहां पिता के अनुशासन में रह रहे हैं बालक, तो ज्यादा घूमने की बात पिताजी से तो नहीं कर पाते, भाई माताजी से कहते हैं तुम थोड़ा बोल दो। ऐसी मर्यादाएं, ऐसे संबंध अगर किसी घर में देखे जाते हैं या इन इन विचारों से अगर कोई आज घरों में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में कोई हो जिससे हम भय करें, घर में कोई हो जिसका सम्मान इस प्रकार से हो कि उनकी आंखों से डरें। यहां भय का मतलब वो भय नहीं है जो भूत प्रेतों से होता है या जो किसी आतंकवादी चोर डाकू को देख के होता है, ये वो वाले भय की मैं चर्चा नहीं कर रहा। भय भी अनेक प्रकार की होती है, कुछ भय का होना भी आवश्यक है नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, पत्नी को भी पति के एक एक नजर का भय होना चाहिए कि भाई ये कार्य अगर मैं कर रही हूं तो मेरे पतिदेव को ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। सेम गोज फॉर द हस्बैंड, पति के लिए भी यही रहे। अपने संबंधों में अगर हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार का थोड़ा पर्दा रखते हैं, दायरा रखते हैं, तो वो मर्यादा बहुत अच्छी होती है सज्जनों, संबंध के लिए, हमारे लिए। हम श्री राम कथा सुनने के लिए ही न सुने, लेकिन देखिए आप लखनलाल के मन में विचार है कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी
वो तो बड़े भाई हैं। छोटे भाई ने छोटे भाई का कर्तव्य जो निभाया वो अनिर्वचनीय है। अब आप जरा बड़े भाई के कर्तव्य को देखिए जो मेरे प्रभु निभाएंगे। लिखते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बिछलता ये हुलसानी। राम अनुज मन की गति जानी, हमारे प्रभु देख रहे हैं कि ओ जाना चाहता है, जनकपुर देखकर आना चाहता है और ये बोल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। तो राम जी महाराज देखो अपने अनुज का ख्याल रखते हैं बहुत, और ये कर्तव्य हो बड़े भाई का कि वो छोटे भाई का ख्याल रखे आजीवन भर। उम्र में फासला भले ही एक मिनट का क्यों ना हो, बड़े का कर्तव्य है कि वो छोटे का ख्याल रखे। श्री राम कथा ये सिखाती है कि लखन लाल कहीं से कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है। मैंने नामकरण के समय कहा था कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सारे लक्षणों के धाम है। हां, लेकिन है तो छोटे भाई ही, अपनी सारी विवेक, अपनी सारी प्रतिभाएं, अपनी सारी विशेषताएं, अपने सारे गुणों को लखनलाल होने के बाद भी जब तक श्री राम जी हैं उनसे बिना पूछे प्रस्तुत नहीं करते महाराज। अनंत वीर है, कुछ भी कर सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना जानते हैं, लेकिन बिना श्री राम की आज्ञा के कुछ नहीं करते। सब कुछ होने के बाद भी तुम शांत रहो, सारी समृद्धियां होने के बाद भी तुम राम के प्रति आश्रित रहो, मेरे प्रभु के प्रति आश्रित रहो, ये लखनलाल की परम विशेषता है। उनकी प्रत्येक लीला में आपको सीख यही मिलेगी। आप देखिएगा, कुछ भी स्वीकार है श्री राम से विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं। और इसीलिए मेरे प्रभु श्री राम जी भी ख्याल रखते हैं, आप अगर प्रभु का ख्याल रखोगे प्रभु आपका रखेंगे। ये सिर्फ प्रभु की बात कर रहा हूं मैं, संसार वालों के लिए गारंटी नहीं दे सकता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एकमात्र ये संबंध है, एकमात्र ये हाथ है, या फिर मां। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कुपुत्रो जा ये ता कुछ दपी कुमाता न भवती। एक बार देखो तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। अपनी संतान से तो माता उसके कल्याण के अलावा कभी कुछ चाहती नहीं है। संतान भले ही उसकी प्रॉपर्टी की चाह कर सकता है लेकिन लक्ष्मण जी की ऐसी भक्ति है कि राम जी महाराज उनका ख्याल रखते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति भगत बिछलता किया उलसानी, भगत बिछल किया उलसानी। हमारे रामचंद्र जी लक्ष्मण के मन को पढ़ते हुए गुरुदेव से पूछ रहे हैं कि गुरुजी देखिए ये तो डर रहा है बोलने में,
ये बोल बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा आपके डर से, तो मैं जरा विनती कर रहा हूं, बोल भी नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं। जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, संसार में संसार का कोई ऐसा नहीं है जो उनके समीप इतना सा भी चला जाए महाराज उनकी मर्जी के बिना। संसार में ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को कुछ आदेश दे दे कि आप ये करिए। कोई ऐसा देव नहीं, कोई दिग्पाल नहीं, कोई यक्ष गंधर्व नहीं जिन्होंने प्रभु को ब्रिकुटी टेढ़ी करने की भी सामर्थ्य हो, जिनकी देयर इज नो वन इन द होल यूनिवर्स, कोई नहीं है। लेकिन आज स्वयं सारे जगत के नाथ, सारे जग के ईश, सारे देवताओं के पालक मेरे प्रभु श्री राम, देखो क्या कह रहे हैं अपने गुरुदेव से, नाथ लखन पुर देखन चहही, नाथ लखन पुर देखन चहही। इसके मन में इच्छा है, ये बोल नहीं पा रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं ना, प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो तो, नाथ लखन पुर देखन चहही, नाथ लखन पुर देखन चहही। और प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, जोरा और आयसु मैं पावा, जोरा और आयसु यानी आज्ञा, जोरा और आयसु मैं पावा, जोरा और आयसु नगर दिखाई तुरत ले आवा, नगर दिखाई तुरत ले आऊंगा, नाथ लखन पुर देखन चहही, नाथ लखन नाथ लखन पुर देख, नाथ लखन पुर देख, नाथ लखन नाथ लखन पुर आपकी आज्ञा, जो राउर आयसु मैं पावा, अगर आज्ञा हो तो मैं जरा ले जाता हूं। गुरुदेव ने देखा कि वाह, संसार में व्यक्ति महान बल से नहीं विचारों से बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बल तो रावण के पास भी बहुत था, कंस के पास भी कम नहीं था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये भी कमजोर नहीं थे। अगर आप चर्चा धन की करोगे तो धन भी शिशुपाल दंत्रवक्त्र के पास में क्या कम था। हम घर में सोना रखते हैं, रावण का घर ही सोने का था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। व्यक्ति के जीवन में बल अथवा धन उसको महान अथवा पूजनीय बनाएगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे चरणों को पूजेगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे व्यवहार को देखकर, चाहे तुम शिष्य ही क्यों ना सही, अगर गुरु के सामने तुमने अच्छे व्यवहार की प्रस्तुति करी है तो वो गुरु भी कहेगा कि वाह। शिष्य के धनवान होने से गुरु भले ही प्रसन्न हो न हो, लेकिन शिष्य के व्यवहारिक एवं सद्विचारी सत्कर्मी होने से गुरु अति प्रसन्न होते हैं।
शिष्य वैभववान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुत्र वैभववान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में रह रहा है कि नहीं बुढ़ापे में। पिसो तो गणा ही है महाराज, लेकिन मिलने के लिए तो थाना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसो छोरों से बिना तो महाराज में तो अगर बिना छोरा के ही रवा तो बढ़िया है। पैसा बहुत है, प्रॉपर्टियां इतनी है कि महाराज यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद भी श्रीमान जी एक डेट देंगे कि हाँ देखते हैं, हो पाएगा तो आ जाएंगे। और वही पिताजी जिस दिन गुजर जाएंगे ना, उनकी प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा, भाइयों में विवाद चलेगा, ये तारीख तय की गई है, तो उसके एक शाम पहले आ जाएंगे महाराज। हाँ प्रॉपर्टी मिलने के समय में देरी नहीं होगी, पिता से मिलने में हो सकती है। वाह प्रेम से बोलो जय श्री राम। सबकी नहीं कह रहा, कुछ राकेश जी जैसे हैं जिनके कारण धर्म जीवित है, कुछ विकास जी जैसे हैं जिनके कारण धर्म जीवित है। आपके यहां सतपात्र या सतपुत्र हो रहे हैं, श्रेष्ठ पुत्र हो रहे हैं, सुपुत्र हो रहे हैं, सुपुत्री हो रही है, यह भी एक बहुत बड़े कृपा की बात है। सज्जनों आप क्या बात कर रहे हैं, पड़ोसियों की छोड़िए अपने खून की भी गारंटी नहीं है कि साथ देगा कि नहीं देगा। और विश्वामित्र जी महाराज जैसे गुरु के लिए या किसी पिता के लिए उसके पुत्र का धनवान होना नहीं, इस प्रकार के विचार रखने वाला अगर है कि जाने से पहले जगत के स्वामी हैं लेकिन पूछ कर जा रहे हैं। आज के संतान थोड़ा सा आ रहे हैं घूम के और मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं भाई, आप नहीं जाते क्या, थोड़ी देर चला जाऊंगा तो हो क्या जाएगा, थोड़ी देर की तो बात है। मतलब अपनी बात रखना जरूरी है। एक समय था जब पिता ने जो कह दिया उस आज्ञा का पालन अक्सर पुत्र चुपचाप बिना कुछ बोले करते थे, अब थोड़ा सा समय ऐसा आया है कि पुत्र को चुपचाप स्वीकार करना पड़ता, पिता को चुपचाप स्वीकार करना पड़ता है। अब समय पलट गया, पहले पुत्र मानते थे अब पिता को मानना पड़ता है। गुरुदेव विश्वामित्र अति प्रसन्न है, वाह भाई एक गुरु के रूप में मैं ऐसे ही शिष्यों की प्रतीक्षा करता हूं, जहां बल की आवश्यकता है वहां ताड़ का जैसी राक्षसी का उद्धार करके प्रसन्न किया, और जहां विनम्रता की आवश्यकता है, जहां मर्यादा धारण करनी है वहां मर्यादा भी ऐसी धारण करते हैं कि जिसमें कहना ही क्या। माता पिता के सामने स्वभाव अच्छा रखोगे तो सच बताऊं माता पिता किसी कार्य के लिए मनाही नहीं करेंगे। तुम्हें बाहर घूमने जाना है कि कहीं भी जाना हो, वो पिता खुद कहेगा अरे जाओ भाई, लेकिन क्या बोलूं मैं ज्यादा। गुरुदेव ने कहा जाओ राम, अवश्य जाओ, और मेरे प्रभु जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ में। मार्ग में चलते हैं, और जैसे ही मार्ग में चल रहे हैं तो छोटे छोटे बालक छोटी छोटी बालिकाएं राम जी को देखती है, उनके सुंदर छवि को देखती है। सब कहते हैं राम जी हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए। राम जी सबसे कहते हैं आएंगे आएंगे आएंगे। जितने युवा हैं सब दूर से खड़े होकर प्रणाम करते हैं, मर्यादित रूप से जानते हैं कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ हैं, मर्यादा धारण करनी है। उनसे जो थोड़े से और अनुभवी हैं राम जी उनको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, सब राम जी को आशीष दे रहे हैं। भाई
संतों को देख करके राम जी के नेत्रों में, राम जी के हृदय में ऐसा झुकाव आता है। युवाओं को देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, माताओं को देख करके ममतामयी वात्सल्यमयी स्वरूप का दर्शन देते प्रभु, जो जिस प्रकार से भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान उसको उस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। महाराज, कोई बालक है तो राम जी उसको उसी रूप में या उसी स्वभाव में दर्शन दे रहे हैं। कोई संत योगी दर्शन कर रहे हैं प्रभु का चलते हुए जनकपुर की नगरी में, तो मेरे प्रभु योगेश्वर स्वरूप में उनको दर्शन दे करके कृतार्थ कर रहे हैं। हाँ, जा की रही भावना जैसी, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कितने तैसी, प्रभु मूरत जिसकी जैसी भावना। एक सखी कह रही है, अरे पता है कौन है ये? बोले कौन? ए दो, ए दो, यानी ये दोनों दशरथ के जाए बाल मरालनी के कल जाए। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, और गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में सभी राक्षसों का उद्धार करने, सारे जग को कृतार्थ करने के लिए मेरे प्रभु पधारे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ए दौ दशरथ के ढोटा बाल मरानी के कल जोटा। एक ने कहा कि आपको पता है दिखने में सुकुमार है, लेकिन हमने तो सुना है इन्होंने ताड़िका का उद्धार कर दिया। बोले हाँ। बोले नहीं नहीं, हम तो मान ही नहीं सकते इतने सुकुमार और वो ऐसी ताड़िका। तो दूसरी कह रही है, हमें तो लगता है कि राजा जनक ने जो स्वयंवर रचा है कहीं उसमें तो नहीं आए। तो तीसरी कह रही है, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शिव जी के धनुष को ये कैसे तोड़ पाएंगे, तो छोटे से दिखने वाले हैं एकदम। तो पांचवी कह रही है, अरे छोटे से दिखने वाले हैं, लेकिन हमने सुना है कि अभी अभी किसी शिला पर चरण इन्होंने रखा और वो शिला नारी की बन गई, ये मायावी भी हैं। और वो जो बिचारी जनकपुर की नारियां सखियां आपस में बात कर रही है, राम जी मुस्कुराते हुए सबकी बात सुन रहे हैं। बोले हाँ सही है, ठीक है। जो बिचारी बूढ़ी अम्मा जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो घर से देख रही है धुंधलाली धुंधलाली आंखों से, एकदम दीख ना रहो, लेकिन फिर भी चाव है कि हम राम जी को देखेंगी। अरे देखो, भक्त के मन में बड़ा चाव रहता है और अच्छी बात है। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम प्रभु को देखें, ताकि हमें लगता है हम देखेंगे तो वो भी हमें देख लेगा। जरूर देखेंगे भाई, तुम्हारी क्रियाएं अगर अच्छी होगी तो जरूर देखेंगे। वो है ही वहां इसलिए कि वो हमें दर्शन दें, हमें कृतार्थ करें। लेकिन बस यही है कि अगर चाहते हो कि वो तुम्हें देखे तो कुछ क्रियाएं करनी होती है, कुछ जीवन में स्वभाव अपनाने होते हैं, कुछ त्याग करने पड़ते हैं, थोड़ा सहना पड़ता है। ये बात तो सत्य है, बिना सहे कोई श्री राम अथवा श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। भक्ति में बहुत त्याग है, आपको मानना पड़ेगा। श्री राम जी के पास में जितना धन था, उसका 10% भी किसी युवा के पास में या किसी परिवार के पास में अगर आज होता है,
तो 10% छोड़ो, 1% भी अगर होता ना तो भी भजन नहीं करते। व्यक्ति के पास में जब तक धन नहीं रहता तब तक व्यक्ति बड़ा धार्मिक, बड़ा भजनानंदी रहता है, ज्यादातर मैंने देखा है। और जहां व्यक्ति के पास में ज्यादा धन आ जाए वो भूल जाता है, वो परमार्थ भूल जाएगा, वो सेवा भूल जाएगा। लेकिन हम ध्यान दें कि श्री रामचंद्र जी महाराज सूर्यवंशियों के सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। एक राजकुमार होने के बाद भी उन्होंने जो जीवन जिया है, आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि महाराज सीधा राजा बन गए, राम राज्य ऐसी स्थापना हो गई, बिल्कुल ही नहीं। बचपन से लेकर के संतों के साथ जब भी रहे तो खूब त्याग किया। आज जनकपुर की नगरी में चल रहे प्रभु, सभी सखियां, सभी जितने भी जनकपुर के नर नारी हैं, सबको दर्शन देकर, सब पर कृपा करके राम जी देख रहे हैं कि भाई देरी हो रही है, और देरी ऐसी हो रही है कि मुझे लगता है कि हमें 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 अब चलना चाहिए। हे लक्ष्मण चलो, बहुत हो गया जनकपुर दर्शन, बहुत देख लिया नगरी, प्रेम से बोलो राधे राधे, बहुत दर्शन कर लिया, चलो लक्ष्मण। एक बार राम जी ने कहा हमारे लखन लाल तैयार हैं। हमारे लक्ष्मण जी चलिए भैया, हर प्रकार से, हर कण में, हर क्षण में आप देखिएगा मर्यादा का अनंत दर्शन है। राम जी ने कहा चलो, चल रहे हैं, पहुंचे हैं गुरुदेव के पास में। तो जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचे तो थोड़ी सी रात्रि आ गई थी, गुरुदेव शयन करने की ओर जा रहे थे। श्री रामचंद्र जी महाराज लखनलाल के साथ में गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। चरणों को दबाते दबाते गुरुदेव ने कहा छोड़ो राम, हो गया हो गया। नहीं नहीं गुरुदेव, ठीक, थोड़ा और कर लेने दीजिए। नहीं राम, हो गया, थोड़ा और कर लेने दीजिए। अरे छोड़ दो, अब छोड़ दो, चलो, मैं कह रहा हूं ना, कहना पड़ता है छोड़ने के लिए, तब जाकर के सेवा करनी बंद करते थे प्रभु। और आज अपनी संतानों को अगर हम कहते हैं कि जरा सा आकर कर दो, समय नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं। आप आज के किसी युवा को कहो भाई थोड़ी देर आकर के चरण दबा दो रात्रि में, रोज रोज की तो बात छोड़िए, आप उनको 5 मिनट में दर्द हो जाएगा हाथ में, 5 मिनट में जाने का बहाना खोजेंगे। और जब किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब खुद आकर के चरण दबाने लग जाएंगे। व्यक्ति आज, मैं अगर बहुत गलत नहीं हूं तो कहीं कहीं घरों में संतान भी माता पिता के साथ सेवा का संबंध भी स्वार्थ से ही निभा रही है। बहुत गहराई में आप अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा आपको, पिता को समय तभी दे रहा है जब पिता से कुछ चाहिए, पिता से प्रेम तभी कर रहा है जब पिता से कुछ चाहिए, अन्यत्र पिताजी आप तो कठोर हैं। माता पिता के साथ में भी संतान आज स्वार्थ होकर के संबंध निभा रही है, स्वार्थ से निभा रही है, कुछ पाने के लिए सेवा हो रही है। सबकी नहीं कर रहा बात, लेकिन हो रहा है ये घरों में। और एक राम जी हैं जिनको बोलना पड़ता है, अरे राम छोड़ो छोड़ो भाई, अब केवल गुरु की नहीं कर रहे हैं सेवा, जब राजमहल में रहते थे तो अपने पिता के साथ भी यही करते थे। सोचिए, बताना नहीं पड़ता बार बार,
हम तो चरण छोड़ दबाना छोड़ दो, छुआने के लिए पैर, पैर छुओ भाई बड़े आए हैं घर में, बताना पड़ता है, प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक उम्र में आ जाने के बाद अगर आप अपनी संतान को ये उस व्यक्ति, मैं तो कई बार देखता हूं घर में जब जाता हूं तो अच्छे खासे उम्र के हो गए हैं बाल गोपाल घर में जो रह रहे हैं बच्चे, और व्यास जी के सामने पैर छू बेटा, पंडित जी आए व्यास जी आए पैर छुओ, अरे बेटा पैर छुओ, व्यास जी भाग रहा है, नहीं नहीं ऐसे छूता है, ऐसे छूता है, अभी जा रहा है, वाह। हाँ उनको सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। और मैं तो खूब कहता हूं कि जिस पिता ने स्वयं अपने पिता के चरण छुए होंगे रोज, उनके बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पैर छुओ। माता और पिता अगर दिन भर फोन में रहेंगे तो बच्चा फोन चलाना बचपन से सीखेगा। घर के रहने वाले लोग अगर फोन, बच्चा अगर फोन चला रहा है बहुत 101% उसके माता पिता बहुत चलाते होंगे, क्योंकि बच्चा सुन करके नहीं सीखता है, बाल्यकाल में देख करके सीखता है। द काइंड ऑफ बिहेवियर जो वो देख रहा है आसपास में कि भाई ये हो रहा है तो यही ये यही जीवन है। हाँ भाई, एक साधारणतया एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला बालक जो होता है वो मंत्र क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो आसपास में अपने दादाजी को, नाना जी को, पिताजी को मंत्र गाता भाई देखता, पढ़ता, सुनता है, जैसे कि मैं था। कोई क्रिकेटर अगर है, आप उदाहरण पे भी देख लीजिए, सुनील गावस्कर की संतान, रोहन गावस्कर, सचिन तेंदुलकर की संतान, अर्जुन तेंदुलकर, एक्टिंग के फील्ड में भी आप देखेंगे तो पिता और पुत्र, पिता जो करते आए हैं, पिता की देखरेख पुत्रों ने भी किया है, बहुत जगह किया है, बहुत जगह नहीं किया है। उसी प्रकार से भजन का भी ये है, पिताजी अगर, माताजी अगर सिखाएं, प्रहलाद जी को भक्त बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी मां का रहा है। मेरे गुरुदेव अक्सर कथा में कहते हैं कि आपका बच्चा भक्त बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा चोर बनेगा, आपका बच्चा डकैत बनेगा, सत्कर्मी बनेगा या दुष्कर्मी बनेगा, ये एक मां के ऊपर है। मां चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना दे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम एवं लक्ष्मण जी गुरुदेव के चरण दबाते दबाते गुरुदेव ने जब बहुत जिद करी तो राम जी ने चरणों को छोड़ा। अब राम जी जब सोने जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। ये खत्म नहीं हो रहा है। अब राम जी लक्ष्मण छोड़ दो, बोले नहीं भैया, नहीं भैया दबाने दीजिए ना। अरे से बेचारे लक्ष्मण जी जो है वो मन में ये भी सोचते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है साक्षात जगन्नाथ के चरणों की सेवा कर रहा हूं। और एक दिन क्या हुआ कि ऐसे रोज जब चरण दबाते थे लक्ष्मण जी तो राम जी उनको बार बार मना कर देते थे, ना लक्ष्मण हो गया, बहुत हो गया, ठीक है मैंने कुछ किया ही नहीं है, दर्द क्यों होगा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं एकदम। तो एक दिन लक्ष्मण जी बड़े त्रास में आ गए, दुख हो रहा है उनको, बोले मैं बार बार सेवा करने के लिए जाता हूं, मुझे मना कर देते हैं, छोटा हूं इसलिए माननी पड़ती है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक दिन रूठ जाऊंगा। तो एक दिन रूठ गए तो राम जी आए, क्या हुआ लक्ष्मण? बोले नहीं कुछ नहीं। अरे अरे बोल दो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, बड़ा देख के बता दूंगा कि मेरे लखन को क्या हो गया, बताओ क्या बात है। बोले प्रभु बात यह है कि मैं आपकी सेवा करने की इतनी चाह रखता हूं, चरणों को दबाता हूं बार बार और बार बार दबाना चाहता हूं, आप थोड़ी सी देर में मना कर देते हैं, मुझे पसंद नहीं है, और आप बड़े हैं ये देखते हुए मुझे जो है बार बार सुनना पड़ता है। राम जी ने कहा अच्छा छोटे हो इसलिए समस्या है, मतलब समस्या ये है कि तुम छोटे हो उम्र में, नहीं बड़े होते तो। बोले नहीं बड़ा होता तो फिर मैं आपको बोल देता कि रुक जाइए करने दीजिए, तब आपको सुननी पड़ती।
तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो त्रेता में हम बड़े भाई बने हैं, द्वापर में तुम बड़े भाई बन जाना। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो देखो त्रेता में श्री राम बड़े बन करके आए, तो द्वापर में जब बलराम जी आए स्वयं, तो बलराम जी तो कहते लाला इधर आओ, अरे भैया नेक जान तो, अरे ला इधर आओ, और लाला को एकदम पकड़ करके नेक उनकी मालिश करते खूब प्रेम से। हाँ, और ये याद भी दिलाते, बोला देखा मना कर रहे थे उस समय, तो ये सबका बदला ले रहा हूं, अब बदला भी लेते हैं तो इस बदले में भी देखो सेवा है, किसी का बुरा नहीं कर सकते, चाव है ये सोच ही नहीं है, सोच देखिए आप, ऐसे बदले, ऐसे बदलों के किस्से भी सुन करके अच्छे लगते हैं, कि जहां बदला तो लिया जा रहा है लेकिन बदला लिया कैसे जा रहा है, बोला प्रेम करके, दो गुना प्रेम करके। एक भक्त तो सिर्फ मेरे भगवान को देना चाहता है अपना सब कुछ, कुछ मांगना नहीं चाहता, कुछ पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रेमी अथवा भक्त तो हो ही नहीं सकता। अगर पूर्ण पराकाष्ठा की मैं चर्चा करूं, अगर पूर्ण भक्ति की चर्चा करूं, पूर्ण प्रेम की चर्चा करूं, तो उसमें कुछ मांग नहीं होती, कुछ डिमांड्स नहीं होती है, उसमें तो आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं सामने वाले को, तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो, मैंने प्रेम आपके उसी स्वरूप से किया है जैसे हो आप, तो फिर मैं आपको बदलने के लिए बोल ही कैसे सकता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुझे आप चाहिए, मुझे बस आप हो मेरे पास में, वही सब कुछ है। लक्ष्मण जी राम जी की खूब सेवा करते, अरे तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है, करता नहीं हूं कुछ भी, सब काम हो रहा है, और करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कहिए मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सांवरिया, करते हो तुम सांवरिया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से ताली बजाकर सब काम हो रहा है।
हथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही काम हो रहा है करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा और करते हो तुम सवरिया करते हो तुम सवरिया करते हो तुम सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा दोनों हाथों से तालियों की सेवा
भगवन तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। पर करते हो तुम सावरिया से बोलो जय श्री राम। श्री राम जी महाराज और लखनलाल रात्रि भर विश्राम करके अपने गुरुदेव के उठने से पहले श्री राम जी उठ गए। और आपको पता है मुर्गा जब बांझ देता है उसके बांझ देने से पहले लखनलाल की नींद खुल गई। देखा उन्होंने भैया तो स्नान करके तैयार हैं। यानी मुर्गा बांझ कब देता है आप अनुमान लगाइए। लक्ष्मण जी उठे तब हैं और वो देख ये रहे हैं कि राम जी तो तैयार बैठे। यहां युवाओं को 9 बजे से पहले जगा दो तो तकलीफ होती है। धूप लगती है तब ये उठते हैं। वहां मेरे प्रभु सूर्य आगमन से पहले उठ जाएंगे महाराज। सूर्योदय से पहले जग रहे हैं सरकार। एंड व्हाट इज द नीड आप मुझे बताइए। जीवन भर भी काम नहीं करते तो भी कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो बुद्धिजीवी है जो बुद्धिमान है जो प्रतिभावान है प्रतिभाशाली है वो ये जानते हैं कि जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। प्रयास करिए अगर बढ़ना है तो जगना होगा।
और हमारे बिहार में तो एक कहावत है कि जखनो उठले तखनो भोर, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ, हमारे यजमान जी तो बिहार के हैं, कराने वाले बिहार के हैं, और करने वाले जो व्यास जी महाराज हैं, मेरे पूज्य पिताजी का जन्म भागलपुर का है, और यहाँ यहाँ पे गर्व से मैं ये कहता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी एक उस भूमि की पैदाइश है, मेरे पूज्य पिताजी की उस भूमि के जन्मे हैं जो भूमि बिहार की है, अंगराज कर्ण की भूमि, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुंगेर में आप अगर जाओगे तो कर्ण को खूब महाराज प्रणाम किया जाता है, और बिहार जिस भूमि में सदा बहार रहती है, परिश्रमी मेहनती ने कर्ण नहीं जरासंध, शायद जरासंध या मैं गलत हो रहा हूं, कर्ण भी है ना, हाँ मैं सही हूं, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ हाँ, अद्भुत बिहार की भूमि हमारे, और देखो एक 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 साधारण मनुष्य के लिए उनके पूर्वजों की भूमि दिव्य होनी ही चाहिए। आप कहीं के रहने वाले हों, लेकिन जहां आपके पिता जन्मे हैं, जहां आपके पूर्वजों का जो जन्म स्थान है वो वंदनीय होना ही चाहिए। यद्यपि मेरा जन्म बंगाल का है, लेकिन फिर भी मुझे बिहार से बड़ा लगाव है, बड़ा लगाव, अद्भुत। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जल्दी उठे और उठते ही हमारे रामचंद्र जी महाराज वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि समय जानी गुरु आयसु पाये, समय जानी गुरु आयसु पाये, समय जानी गुरु आयसु पाये, समय जानी प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले भाई, लेन प्रसून, प्रसून यानी फूल, अपने गुरुदेव से आज्ञा मांग रहे हैं, चले जानी गुरु आयसु पाई, समय जानी गुरु आयसु पाई, आयसु पाई, आयसु पाई। समय जैसे ही गुरुजी के उठने का हुआ, गुरुजी के आने का हुआ, लेन प्रसून चले दो भाई, गुरुजी पूजा करेंगे, उस पूजा को करने में उन्हें फूल की आवश्यकता होगी, उस सुंदर सुमन पुष्प को लेने हेतु मेरे प्रभु रघुवर अपने अनुज के साथ जा रहे हैं। और चलते चलते देखो एक सुंदर सी पुष्प वाटिका देखी, देख रहे हैं कितने सुंदर फूल हैं, लक्ष्मण देखो, वाटिका बता रही है कि इस वाटिका की जो रखवाली करते हैं वो प्रेम से सेवा करते हैं। घर सुंदर रखिए, क्योंकि घर की सुंदरता बताती है कि घर वाले कैसे हैं, प्रेम से बोलो। आप कितने ही धनवान सही, लेकिन आपका घर सुंदर होना चाहिए, अच्छी बात होती है। घर में गंदगी दारिद्रता का प्रवेश लाती है, घर में गंदगी लक्ष्मी अथवा श्री को दूर रखती है, घर साफ रहे तो आनंद की बात है सज्जनों, घर तो पवित्र रहना ही चाहिए।
उसी प्रकार पुष्प वाटिका जब प्रभु ने देखी, लक्ष्मण हमें थोड़े से फूल चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां इस पुष्प वाटिका के जो स्वामी हैं, जो माली हैं, जो इसकी रखवाली करते हैं, वो दिख नहीं रहे, क्योंकि उनसे पूछूंगा तभी तो फूल तोड़ूंगा। सारे संसार के स्वामी क्या परिचय दे रहे हैं कि किसी और की संपत्ति को स्पर्श करने से भी पहले उससे पूछिए कि मैं आए क्या मैं कर सकता हूं, फिर चाहे वो फूल हो, फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, कोई भी हो। संसार में किसी को भी स्पर्श करने से पहले आप प्रश्न करें, खास करके जो आपका न हो उससे तो पूछिए ही पूछिए भाई कि मुझे ऐसा है कि क्या मैं ये उपयोग में ले लूं, क्या मैं इसे, चाहे आप संसार के स्वामी क्यों, देखो संसार उन्हीं का है, चाहे तो बिल्कुल तोड़ ले, क्या कोई मजाल किसी की बोले कुछ। लेकिन खुद का होने के बाद भी ये मर्यादा होनी चाहिए कि जो उसकी सेवा कर रहे हैं हम उनसे पूछें, क्योंकि स्वामी वो है उस पदार्थ के, उस विषय के, और हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि बिना पूछे हम स्पर्श करें, चाहे पदार्थ कोई भी हो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, फ्री में ही मिलेगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी मर्यादा है। राम जी इत उत चेत ई पूछी माली गन, इत उत चेत ई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, इत उत चेत ई पूछी पूछी पूछी। इत उत चेत, यहां वहां देखा, कुछ फूल मेरे प्रभु देख रहे हैं, ये भी सुंदर है, लक्ष्मण ये देखो वो भी देखो, लेकिन माली नहीं दिख रहा, इतने में दिख गए। और उनसे जब आज्ञा मांगी तो माली ने तो अरे प्रभु आप ही का है, आप जाएं, पवित्र हो जाएगी मेरी ये वाटिका जहां आपके श्री चरण पड़ेंगे, स्वागत है आपका। राम जी लक्ष्मण जी के साथ में चुन रहे थे फूलों को, वर्णन करते हैं कुछ संत तो कि आज वो वाटिका ही नहीं अपितु वो फूल भी आपस में एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में तो हमारा सौभाग्य आज ही उदय हुआ है, कि आज तक तो न जाने कितने लोग हमें इस वाटिका से तोड़ करके ले गए, लेकिन आज स्वयं हमें तोड़ करके ले जाने वाले जगन्नाथ जगदीश परात्पर ब्रह्म हैं। हमारा आज फूल बनना सार्थक हो गया, हम जीवन में मनुष्य नहीं बने तो क्या हुआ, अभी तो हमने बड़े बड़े मनुष्यों से ज्यादा भाग्य पाया है जो मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपना स्पर्श हमें प्रदान किया, अपना दर्शन दिया, आज स्वयं हमें ले जा रहे हैं, तो वो फूल आपस में आनंदित हो रहे हैं। महाराज एक जड़ भी जिसको देख करके, जिसकी शोभा निहार करके महाराज चैतन्य हो जाए, वो मेरे प्रभु श्री राम हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण की बंसी जब बजती थी तो जलती हुई लकड़ियों से जल निकल आता था, यानी जो वस्तु जड़ है वो चैतन्य हो रही है, और जो चैतन्यमय वस्तुएं थी या जो चैतन्यमय जीव थी, जैसे कि गौ माता जो चारा खाती थी तो खाती ही रह जाती, मौन हो जाती, चबाना बंद हो जाता, सब ठाकुर जी की ओर हो जाते,
जो कार्य कर रहे होते वो रुक जाता और केवल नेत्र कान मुखारविंद प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी को ही निहार रही है। सब भूल गए, जो चैतन्यमयी है वो जड़ हो गए हैं और जो जड़ हो गए वो चैतन्य बन जाते हैं भगवान की लीला में। ये प्रभु का आकर्षण है, यही तो है महाराज, यही तो प्रतिभा है उनकी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो फूल आपस में आनंदित हो रहे हैं। इतने देर में देखा कि संजोग ऐसी बनी कि माता जानकी माता पार्वती की पूजा खूब करती है। एक पुत्री को चाहिए, एक नारी को चाहिए, एक मां को चाहिए कि वो जगत जननी परांबा आदि शक्ति की पूजा तो करे ही करे, खास करके जो अविवाहित है वो तो बिल्कुल ही करे महाराज। केवल विवाह के लिए ही नहीं अपितु समृद्धि शक्ति बुद्धि बल ओजस्वी प्रतिभा प्रदान करती है माता माता जगदम्बा जगत जननी। एक नारी के लिए तो ये आवश्यक ही हो कि वो रोज माता का ध्यान करे, रोज माँ को प्रणाम करे। माता जानकी उनको प्रणाम करने के लिए, उनकी सेवा पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए वो भी जा रही थी अपनी सखियों के साथ में। और संजोग ये कि उस वाटिका से होकर के जा रही थी, क्योंकि फूल लेकर के जाना है तो सखियों के साथ आई। और देखो माता जानकी की सखियां हैं तो कोई साधारण सखियां नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, सुभग सयानी है। माता जानकी के साथ में चल रही थी तो इतने में एक दो तीन सखियों ने सोचा हम इस ओर से थोड़ा फूल ले आती हैं। तो कुछ सखियां माता जानकी को छोड़कर अलग फूल तोड़ने के लिए कुछ और गई। तो जैसे ही कुछ सखियां अलग होकर के गई तो देखती है ते दो बंदों बेलो के जाई, ते दो बंदों बेलो के जाई, प्रेम विवस प्रेम प्रेम विवस सीता पहिया, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन शोभा। ऐसी शोभा सखियों ने देखी, अरे त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रवि कर गौर वरांबरम दधाने,
वपुरल ककुलावृत नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे न वद्या सुंदरता प्रेम विवस सीता पही आई ते दो बंधु बिलो किय जाई प्रेम विवश होकर के माता जानकी के पास आई है। सखियों ने जाकर के कहा अरे देवी तुम चलो मेरे साथ अभी इधर क्या हुआ। बोले अरे जानकी जी हम क्या बताएं आपको आप आकर के देखिए पहले कुछ विषयों की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती आप कितना ही कर दो सामने वाला उसका अनुभव जब तक देख के नहीं करेगा उसे आभास नहीं होने वाला। मैं कितनी चर्चा करूं मेरे प्रभु की सुन करके बड़ा आनंद मिलेगा आपको लेकिन जिस दिन से आप स्वयं पढ़ोगे ना एक बार खुद जब उसका अनुभव होगा तो सोचिए आप तब आपको पता चलेगा। और माता जानकी से वो सखी कह रही है कि देवी मुझे लगता है कि जिस स्वरूप की आजीवन तुमने कामना करी है वो आज मैंने देखा है। जिस मुखमंडल की चाह तुम कर रही हो कि तुम्हें स्वयंवर में उनका दर्शन हो जाए एक बार जाकर के वहां देखो। इस अखंड ब्रह्मांड में ऐसी सुंदरता ऐसा सौंदर्य लावण्य और सौमनस्य तुमने कहीं नहीं देखा होगा। इसमें मैं निसंदेह होकर के कहना चाहती हूं एक बार चलो तो सही। मैंने दो राजकुमार देखे और वो राजकुमार इसी वाटिका में है। मैं चाहती हूं कि हम चाहती हैं कि आप एक बार चलो हमारे साथ ऐसी बात है। तो माता जानकी ने सोचा चलो फिर देखते हैं है तो वो भी परांबा आदि शक्ति और समस्त संसार की उत्पत्ति करने वाली जगत जननी वो जा रही है अपनी सखी के साथ में। तो जैसे ही गई तो माता जानकी ने मेरे प्रभु को देखा और जिस समय माता जानकी ने मेरे प्रभु को देखा वर्णन करते हैं श्री राम को देख कर कर श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बोलो श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई बाग में जा और इतने में मेरे प्रभु ने जब मां को देखा तो लिखते हैं राम देखे सिया मां सिया राम को राम देखे सिया मां सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई चारों अखियां लड़ी की लड़ी। दोनों ने एक दूसरे की शोभा देखी है वर्णन करते हैं देखी सिय शोभा सुख पावा देखी सिय शोभा सुख पावा रेते सराहत वचन ना जनक तनयाय सोई तात जनक तनयाय धनुष यज्ञ जेहि कारण होई
दशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी मंगल बाबा ने मंगल बाबा ने मंगल बाबा मंग देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचनु न आवा देखी सिय शोभा सुख पावा वचन नहीं आ रहे हैं। राम जी महाराज ने देखा जब माता जानकी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी को तो श्री रामचंद्र जी महाराज वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण ये कौन है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तात जनक तन्या यह सोई और धनुष यज्ञ जेही कारण होई। धनुष यज्ञ जिसके कारण हो रहा है जिसके लिए हो रहा है यही है वो जनक तनया जनक नंदनी जनक पुत्री जानकी। हाँ अच्छा जन्म कहां हुआ है माता जानकी का कोई बता सकता है? हाँ सीतामढ़ी। जोरदार ताली बजाओ भाई। वाह माता जानकी देखो हल चलाते हुए जनक जी को प्राप्त हुई थी सीतामढ़ी की धरा पर। सीतामढ़ी में मिली माता जानकी का जन्म सीतामढ़ी का है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्र में एक महापुरुषों विद्वज्जनों और मेरे प्रभु श्री राम जी की अनंत कृपा से एक काउंसिल का प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है रामायण रिसर्च काउंसिल। बंधुओं दो मिनट मैं आपको बताना चाहूं ये प्रसंग आया है। परम आदरणीय श्री कामेश्वर जी चौपाल उनके द्वारा और उनकी अध्यक्षता में उनकी साक्षी में ये संघ ये काउंसिल जो है आज माता जानकी के श्री चरणों के प्रति अनंत आश्रित है। सज्जनों आपने आपको ये जान करके बड़ा आनंद मिलेगा कि श्री रामायण रिसर्च काउंसिल में जुड़ाव श्री मनोज तिवारी जी जो कि सांसद हैं हमारे भाजपा के उनका जुड़ाव अभी मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ दिल्ली में एक सभा रखी गई थी रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में माता जानकी का एक अद्भुत दिव्य मंदिर सीतामढ़ी में निर्मित किया जा रहा है। 251 फुट है सज्जनों 251 मीटर। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और एकदम दिव्य मतलब बहुत विशाल काया यहां तक कि वर्णन किया जा रहा है कि पूरे भारत में इससे बड़ा विग्रह इससे बड़ी मूर्ति माता जानकी की कहीं नहीं है। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं तो यह दुर्भाग्य है हमारे भारत राष्ट्र का कि अभी तक माता जानकी का कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है भारत में। नेपाल में है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन सीतामढ़ी में निर्माण जब होगा माता जानकी के उस मंदिर का जो कि रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में किया जा रहा है माता जानकी जी के चरित्रों को प्रचार प्रसार करने का उन्होंने खूब अद्भुत कार्यभार ये ले रखा है। और हमें भी सज्जनों प्रयास करना चाहिए कि जनक नंदनी जानकी जी के चरणों में हम अपनी आस्था को जगाएं।
खास करके जो नारी शक्ति है उनसे तो मेरा निवेदन है कि माता जानकी के श्री चरणों में बड़ा उनका बड़ी उनकी आस्था हो, ये मैं निवेदन करूं। बोलिए जानकी मैया की जय। दोनों ने एक दूसरे के स्वरूप को देखा, मेरे प्रभु ने मां को देखा, मां ने हमारी सरकार को देखा। मेरे प्रभु तो रात्रि लक्ष्मण जी के पास में आकर के कहने लगे कि लखन लाल, मैं सत्य बताऊं मैंने ऐसी शोभा कभी देखी नहीं है, और जब से वो शोभा मैंने देखी है मेरे हृदय में न जाने क्या भावना जग रही है। ऐसी सुंदरता, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी सुंदर है चंद्रमा और इसमें भेद कर रहे हैं राम जी महाराज, ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि तुलना करते हैं कि चंद्रमा को अगर कहीं सुंदरता चाहिए तो आकर के जानकी जी से ले जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोले चंद्रमा में भी दाग है लेकिन मेरी जानकी में नहीं है। लक्ष्मण इतनी सुंदर, मुझे तो आज तक न जाने ये राम जिसने आजीवन सभी नारियों के आगे नतमस्तक हो करके उसे प्रणाम किया है मैंने, मुझे क्यों लगता है कि जिसे मैंने आज वाटिका में देखा उनके साथ मेरा युग युगांतर कल्प कल्पांतरों से कोई संबंध रहा है। मेरे प्रभु याद कर रहे हैं। और वहां माता जानकी के भी हृदय में सज्जनों, मैं आपको बताऊं उनकी तो भावना अद्भुत है। वो कह रही है गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, गई भवानी भवन भवन भवन। तुरंत माता भवानी के यहां गई माता जानकी और जाकर के माता जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति से कह रही है मैया मिले तो यही मिले। श्री रामचरितमानस में बताई गई ये एक चौपाई है सज्जनों, कुछ चौपाइयां हैं कुछ पंक्तियां हैं, जिस भी बहन को विवाह के लिए किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है जो कि आती है, मैं प्रयास करूंगा या मैं प्रयास करता हूं कि हमारी कथा के माध्यम से कुछ पंक्तियां जो कि जीव कल्याण के लिए तुरंत कार्य करे वो मैं प्रयास करता हूं कि मैं खूब बताऊं मंच से। उसमें से ये एक बड़ी शक्तिशाली चौपाई है जो कि काम करती है, और श्री रामचरितमानस की ये चौपाई मैं उन माताओं को बताना चाहता हूं जो अपनी पुत्री के लिए अपनी बहनों के लिए अपने लिए किसी वर की प्रतीक्षा में है, या मेरा वर जो होने वाला है वो अनमोल रहे। देखिए क्रियाओं का तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा, आपका स्वभाव क्रिया व्यवहार ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन भजन करेंगे तो सोने पे सुहागा है। मैं उन माताओं से निवेदन करूं, उन बहनों से निवेदन करूं कि देखिए जिस प्रकार माता जानकी ने माता गिरिजा की स्तुति करी उनको प्रणाम करके और उनसे वर मांगा तो उनको मेरे प्रभु श्री राम मिले, उसी प्रकार संतों की भावना है कि हम भी अगर इसी प्रकार से चौपाई यही गाएं जो स्तुति माता जानकी ने करी, और वही चौपाई और वही स्तुति अगर हम करें तो क्या पता हमें भी राम जी जैसा मिल जाए। इस भावना से देखो जहां चाह है वहां राह है, आस्था है तो बंद दरवाजे से भी रास्ता है।
आस्था ही है जो आपके उस पंक्ति को मंत्र का रूप देती है सज्जनों। आस्था ही है जो भगवान के श्री चरणों के प्रति आप चाहे कितने ही शब्दों को कितने ही अलग अलग भाषाओं में गा लो, आस्था रहित अगर वो शब्द होंगे तो उससे कुछ होने नहीं वाला। लेकिन अगर आस्था में आकर या आस्था के साथ या चाह से इन चौपाइयों का गान किया जाता है, भाव से इन चौपाइयों का मंत्रों का गान किया जाता है, तो जिस कारण ये बने हैं ये सिद्ध भी होते हैं सज्जनों। इसलिए आप प्रयास करिएगा, जितना संभव हो हम उतनी चौपाई का गान जरूर करें, लेकिन मुख्य रूप से तो ये चार पंक्तियां हैं, चार से छह पंक्तियां जो मैं अभी गाऊंगा, और आप लोग इसे सुनिएगा जरूर। और सुनने के बाद रामचरितमानस तो सबने पढ़ी है, प्रसंग जब भी बालकांड में इस समय का आ रहा हो जहां माता जानकी जा रही है गिरिजा पूजन के समय, तो अम्बी घर जाके ग्रंथ खोलें और गिरिजा पूजन में ये जो चौपाई मैं आपको गाकर अभी सुनाऊंगा आप भी इसका गान करिएगा। एक नारी के लिए इन चौपाइयों का नित्य प्रति गान करना बड़ा प्रभावशाली रहता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय महेश गजवदन सदानन माता, जय गजवदन जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत साना नहीं तब आदि मध्य अब साना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव वे भव परा भव का भव वे भव विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व मंगल भवन अमंगल हारी, माने जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिवर राज की कन्या, जय महेश मुख चंद चकोरी, जिसे बाबा विश्वनाथ एक बार भी दूर करना या जिसका दूर रहना पसंद नहीं करते, बाबा भोलेनाथ की प्यारी हे माता पार्वती गिरिजा, जय गजवदन षडानन माता, हे गणेश जी और माता कार्तिकेय, प्रभु कार्तिकेय की माता, हे जननी, सारे जग की माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहूं नीके, सबके हृदय में रहने वाली, सबके उर में रहने वाली तुम हे गिरिजा, हे पार्वती, तुम तो सबके हृदय की बात जानती हो, किसको क्या चाहिए। और आज जो मैंने देखा है
उसके बाद में तो मैं आपसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती कि मुझे क्या चाहिए। मेरे सारे मनोरथ को आप जानती हो, मेरे क्या कण कण में जो जीव बस रहे हैं इस धरती पर, इस संसार में तुम सबकी जानने वाली। मेरी चाह है कि मुझे मिले तो वही मिले, और आपको पता है जब माता जानकी ने यह मांग करी तो वर्णन करते हैं कि माता गिरिजा के गले में एक माला थी, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला थोड़ी सी खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा रही है। उस खिसकी हुई माला को माता जानकी ने प्रसाद स्वरूप धारण किया, उस मुस्कान को सब समझ गई, और तत्क्षण माता पार्वती ने प्रकट होकर के कहा है कि मनुजा ही राचे हूँ मिलही सोवर सहज सुंदर सांवरो, मनुजा ही राचे हूँ मिलही सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एही भाव तुलसी भवानी ऊजी पुने पुने मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जानी गौरी अनुकूल सिय सुनी सिय हर्षि न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माताओं का अगर कभी बाम अंग यानी लेफ्ट साइड यानी बायां अंग फरकता हो, मान लेना कि शुभ होने वाला है। ये कुछ शुभ सूचक कुछ ये सूत्र हैं, जिसमें से माताओं का बायां अंग फरकना अति शुभ माना जाता है और पुरुषों का हाँ। माता जानकी का बायां अंग फरकने लगा सज्जनों, और यहां गुरुदेव विश्वामित्र के पास में जब मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के आए, तो गुरुदेव अब चाह रहे हैं लखन और हे श्री राम चलिए अब हमें कहीं और जाना है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर दोनों जा रहे हैं। राजा जनक ने अपनी प्यारी पुत्री सुकुमारी जानकी का स्वयंवर रचा है सज्जनों, और इस स्वयंवर का विवरण मैं आपसे बता नहीं सकता। राजा जनक जी धनुष प्रण कीना, ओ मेरे राजा जनक जी धनुष प्रण कीना,
कौन वीर तोड़े अकेला दिखई के हमर मनवा करेला मनवा करेला हमर मनवा करेला मनवा करेला हमर मनवा करेला लागल जनकपुर ममेला दिखई के हमर मनवा करेला जनकपुर का मेला है और इस मेले में सब देख रहे हैं राजा जनक ने धनुष प्रण कीना कौन वीर तोड़े अकेला दिखई के हमर मनवा करेला पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए बोलो पश्चिम दिशा से हाँ पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए पश्चिम दिशा से एक संग में लिए दुई गो चेला दिखई के हमर मनवा करेला संग में दिखई के हमर और वो चेले कैसे हैं एक सांवल एक गोर मनोहर एक सांवल एक गोर मनोहर एक सांवल एक गोर मनोहर देख उन्हें जिया लल चेला दिखई के हमर मनवा करेला चलो सखी नैन सुफल करियावे और सखियां जो देख रही है बोले हम धनुष भंग होगा कि स्वयंवर में क्या होगा हम वो देखने नहीं जा रहे हम तो आज यही देखने जा रहे हैं कि ये वहां जाकर क्या करेंगे हम तो इन्हें देखने जा रहे हैं तो चलो आज नेत्रों को सफल बनाना है श्री राम को देखकर आते हैं चलो सखी नैन सफल करियावे क्योंकि पैसा लगे ना अधेला पैसा लगना नहीं है राम जी के नाम को गाने में घर में बैठे हो मन किया थोड़ा गा लिया दर्शन करने के लिए नेत्र बंद किया दर्शन हो गए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है श्री राम को स्मरण करना है अगर तो केवल भाव चाहिए चाह होनी चाहिए जंगल में रहने वाले विदुर जी ने भी मेरे प्रभु को पाया है हम महलों में रहते हैं तो भी हमें नहीं मिलते भगवान लेकिन उन सखियों को देखो जा रहे हैं राजा जनक ने आए हुए सभी सभापति भूपतियों को देखा राजाओं को देखा सबका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि राजा जनक अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर करेंगे बुलाया है अपने सेवक को बुला करके आदेश दिया कि मेरे प्रण को कहो और भरी सभा में सब लोगों को तीन बार सावधान करते हुए राजा जनक के प्रण को पढ़ रहे हैं वो प्रण क्या है रावण बानो महाभट बारे रावण बानो महाभट बारे देखी सरासन गवन सिधारे देखी सरासन सोई पुरारी को दंड कठोरा सोई पुरारी को दंड कठोरा
समाज आज जो तोरा राज समाज आज जो तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही त्रिभुवन समेत जय वैदेही बिनहि विचार परई हटते ही बिनहि विचार परई हटते ही बिनहि विचार परई हटते ही बिनहि रावण बानो महा रावण बानो महा रावण बानो महा अनंत बलवान अनंत बलशाली अनंत पराक्रमशाली रावण एवं बाणासुर जैसे पराक्रम योद्धाओं ने जिस बाबा विश्वनाथ के इस शिव पिनाक को इस शिव धनुष को दूर से देख करके ही प्रणाम करके परिक्रमा लगाना ही सही समझा उस परम वंदनीय रम्यमय शिव धनुष को जो आज भरी सभा में टुकड़े टुकड़े कर देगा त्रिभुवन समेत जय वेदेही सारे त्रिभुवन में उसका राज एवं उसकी जय जयकार होगी एवं मेरी पुत्री मेरी नंदनी जनक नंदनी जानकी सबके सामने बिना हटके उसके गले में जयमाल डालकर उसका स्वीकार करेगी राजा जनक का ये संबोधन राजा जनक के इस प्रण को जब प्रस्तुत किया गया तो सारे राजा अपने बल को लेकर के आए हैं अरे हम तो कर देंगे एक कह रहा है अरे मेरे तो बाएं हाथ का खेल है दूसरा कह रहा है कि मेरी ही हो तुम जानकी इस प्रकार से अभिमानी होकर के बैठ रहे हैं उसी सभा में मेरे रघुवर दयाल चुपचाप से गुरुदेव के साथ में विराजमान है आपकी प्रतिभा आपके गुणों का बखान मुखारविंद से नहीं क्रियाओं से कीजिए अधिकांश देखा गया है बोलने वाले करते नहीं करने वाले बोलते नहीं और यही वहां भी हुआ प्रण को तो जब श्रवण किया अन्य राजाओं ने तो इस प्रकार अभिमानी और अहंकारी हो गए थे कि मानो लेकर के एक मिनट में तोड़ ही देंगे क्या लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं भूप सहस दस एक ही बारा भूप सहस दस ताली बजा कर गाओ भूप सहस दस एक ही बारा भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई न तारा लगे तरई न तारा लगे उठावन तरई न तारा लगे उठावन तरई न तारा ताली बजा करके उठाने का प्रयास कर रहे हैं राजा वहां और एक राजा प्रयास नहीं कर रहे हैं पहले एक आए फिर दो आए फिर तीन आए फिर चार और ऐसे करते 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 भूप सहस दस एक ही बारह सहस कहते हैं हजार को भूप कहते हैं राजा को भूप सहस दस
यानी कुल मिलाकर कितने राजा हुए? 10,000। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। 10,000 राजा जा रहे हैं एक साथ उठाने महाराज। हम उठाएंगे, मुझे दो, अरे मिल के चलो उठाते हैं। लगे उठावन तरई न तारा, लगे नहीं उठा डकई न शंभो सरासन कैसे, डकई न शंभो सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन हारी, मंगल भवन अमंगल भवन। लगे उठा मन टरई न टारा, भूप सहस दस एक ही बारा। दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार माता सती के सामने कोई किसी की कितनी भी स्तुति कर ले, माता सती का मन शिव के समान किसी और के प्रति कभी जा नहीं सकता या शिव से हिल नहीं सकता, उसी प्रकार जैसे माता सती का मन डिग है शिव के प्रति, वैसे ही ये शिव धनुष भी डिग है अपने स्थान के प्रति, हिल नहीं रहा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। किसी पिता की पुत्री के होने का तभी संभव है जब वो शिव पिनाक कोई उठाए उठाए छोड़ो हिला भी नहीं पा रहे। और किसी पिता के लिए ये दृश्य ठीक तो नहीं है, जहां जिसकी पुत्री का स्वयंवर होना है, परंतु कोई राजा ऐसे नहीं निकल पा रहे जो राजा उस शिव पिनाक को उठाओ तो छोड़ो हिला भी पाए क्या। और ये बात राजा जनक को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने भरे सिंहासन पर विराजमान होकर सभी राजाओं से कहा कि राम राम राम, ये बात अशोभनीय है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस पिनाक को मेरी पुत्री जानकी विनोद में खेल खेल में एक हाथ से उठा करके लाकर रख दिया करती है, उस शिव पिनाक को आप सभी राजा हिला भी नहीं पा रहे। यदि मुझे इस बात का ज्ञात होता कि ये धरती वीरों से खाली है, तो ये जनक अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कभी भी आप राजाओं के भरोसे तो नहीं करता। लेकिन ये मेरे लिए अनंत दुर्भाग्य का विषय है कि जिन राजाओं को मैंने निमंत्रण दे करके यहां अपने बल पौरुष पराक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया, आज मैं आकर के यहां देख रहा हूं कि राजा ही नहीं, अभी तो ये धरती वीरों से खाली है। अब जनिकों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाने। मुझे आज विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है, कोई वीर नहीं है यहां। राजा जनक अगर ये कहते कि जिन लोगों ने प्रयास किया और नहीं उठा पाए वो वीर नहीं है, तो समझ में भी आता। लेकिन राजा जनक ने ये कहा है कि जो यहां विराजमान है, जितने धरती पर है, ये धरती वीरों से खाली है, ये कहना लक्ष्मण जी को ठीक नहीं लगा।
ये जो शब्दों का प्रयोग आपने किया है राजन, ये गलत हो गया। अभी तक लक्ष्मण जी एकदम ठीक बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, मौन थे, एकदम विवेकी विनम्रता धारण करके शांत, सुशांत, प्रशांत बैठे थे। लेकिन भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, क्रोध आ गया। और क्रोध इस प्रकार से आया है कि निकाल नहीं सकते, क्योंकि राम जी बैठे हैं, राजा है जनक, मैं मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन क्रोध आया है। राजा जनक की इस पंक्ति ने लक्ष्मण जी को क्रोध दिला दिया। राजा जनक ने कहा कि धरती वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये गलत कह दिया आपने राजन, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की ओर देख रहे हैं लक्ष्मण जी, नजरें मिला नहीं रहे, पर शब्दों को पहुंचाना जरूरी है, अन्यथा इनको बताएगा कौन कि वीर है अभी भी। शब्दों को वापस ले आप। लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया है कि वर्णन करते हैं कि राजा जनक की ओर इनके शब्द तो हैं, पर मुखारविंद राम जी के कारण, मर्यादा के कारण राम जी के चरणों की ओर है। कह रहे हैं कि भैया अभी अभी जो 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 बात कही है राजा जनक ने, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो सर्वथा अनुचित है, और मैं जनक जी के कहे गए इन वचनों से बिल्कुल भी जो है समर्थन नहीं करता हूं। कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊ, कंडु कैव ब्रह्मांड उठावऊ, काचे घट जिमिदारऊ फोरी, सकऊ मेल मूरक जिमितोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जानी असी आयसी हो, कौतुक करऊ बिलोकी असोऊ, कमल नार जिमि जाप चढ़ावऊ, चोजन सत प्रमाण ले धावऊ, काचे घट जिमि डारऊ फोरी, सकऊ मेल मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, कोबा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जानी असी आयसी हो, कौतुक करऊ बिलोकी असोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊ, चोजन सत प्रमाण ले धावऊ। और प्रभु अंत अंत में ये भी कह रहे हैं कि तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ, और जो न करऊ प्रभु पद शपथ, कर न धरऊ धनुभात। लक्ष्मण जी ने जो बात कही है वो मैं आपको अगर सरल शब्दों में प्रस्तुत करूं तो भगवान अभी अभी कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। इनको एक बार रघुकुल भ्रमण कराना पड़ेगा लगता है, क्योंकि इन्होंने रघुकुल को देखा नहीं तभी ये कह रहे हैं, वरना ये धनुष क्या चीज है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल के कमल, हे राघवेंद्र सरकार, ये बात धनुष की करते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊ, कंडु कीव ब्रह्मांड उठावऊ, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये शेष अभी इसी समय इस धनुष को नहीं, अभी तो इस पूरे ब्रह्मांड को उठाने की सामर्थ्य रखता है। और कांचे घट जिमिडारऊ फौरी, सकऊ मेल मूलक जिमितोरी, एक कच्चे घड़े की भांति इस ब्रह्मांड को उठाकर पटक सकता हूं मैं, ये सब कर सकता हूं, लेकिन तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना, तब प्रताप महिमा महिमा महिमा, तब प्रताप, ये सब कर सकता हूं मैं लेकिन आपके प्रताप से करूंगा। आप बोलो तो धनुष को उठाने की, अरे
कमल नाल जिम चाप चढ़ावाऊं जो जन सत प्रमाण ले धावाऊं। जैसे मान लीजिए ये कमल का फूल है, तो इस छोटे से आप अगर कमल के फूल को देखो, मान लो ये कमल का फूल है और इस कमल के फूल की एक नाल ऐसे मैंने निकाल दी, ये यहां, ये दूसरी मैंने निकाल दी, ये तीसरी मैंने निकाल दी, तो ये जो कमल नाल जिमिचाप चढ़ावाऊं जो जन सत प्रमाण ले धावाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बालक जिस प्रकार कमल की नाल को इस प्रकार से निकाल के खंड खंड कर देता है, अभी इसी समय इस शिव पिनाक के मैं खंड खंड कर सकता हूं। और जोजन सत, जोजन यानी सौ योज, सत यानी सौ, जोजन यानी सौ योजन यानी 400 कोस मैंने बताया था, यानी 800 माइल यानी लगभग 1200 किलोमीटर्स। तो जोजन सत प्रमाण ले धावाऊं, इस धनुष को उठाने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहे ये राजा, ये लखन लाल अभी इस समय इस धनुष को उठा करके इस धनुष को 1000 किलोमीटर दूर दौड़ने की सामर्थ्य रखता है। जिनसे उठाया नहीं जा रहा उनके सामने लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं इसे लेके दौड़ सकता हूं 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर मतलब दिल्ली से कलकत्ता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ, ये बल है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ने जब इतना कहा कि जनक जी ने गलत कह दिया है, मैं चाहूं तो एक मिनट में कर सकता हूं लेकिन सब प्रभु की कृपा से करूंगा, मुझमें कोई बल नहीं है, सब आपकी कृपा से करूंगा, तो राम जी ने कहा मेरी कृपा से करोगे लक्ष्मण, मुझे ही करने दो, मेरी कृपा से कर तो दोगे पर मैं चाहता नहीं हूं कि तुम अभी इस समय इस कार्य को मेरी कृपा से, ये मैं ही कर देता हूं तो अच्छा है। नहीं नहीं भैया आप ही। हाँ, जब सारे राजा परास्त हो गए तो मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के इस संवाद को विश्वामित्र जी सुनी रहे हैं। विश्वामित्र जी ने देखा मुझे लगता है कि समय यही ठीक है, और विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र शुभ जानी, बोले अति सने सने मैं बाली, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु उठिए उठिए महाराज भव चापा, मेतहु तात जनक परितापा, राम जी विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके उठ रहे हैं। श्री राम जी को उठता देख सब प्रसन्न हो रहे हैं, जो चाहते हैं और जो जानते हैं मेरे प्रभु की प्रतिभा को। कुछ राजा हैं जो अभी भी घमंडी अभिमानी अहंकारी स्वभाव के, रामचरितमानस में वर्णन आया है कि जब राम जी उठ रहे थे तो भी वो यही कह रहे थे अरे ये तो छोटा सा दिखने वाला, ये क्या करेगा। लेकिन जो दिखने में छोटा है जरूरी नहीं कि वो छोटा हो। जो जो आपके सामने थोड़े से धनवान कम है, अगर अगर आपसे किसी मायने में कोई व्यक्ति कमजोर है तो आप उसे कमजोर समझिए मत।
अगर आपसे किसी मायने में कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे गरीब समझिए मत, क्योंकि दिन पलटने में देरी नहीं लगती। जो किसी और को समझ रहा है वो खुद हो जाएगा कल, क्या पता। इसलिए जैसा तुम सामने वाले को समझते हो वैसा बन सकते हो। अमीरी समझो सबको, ऐसा सोच के रहोगे तो क्या पता कि बारी आ जाएगी। लेकिन अगर ये सोचोगे कि सामने वाला छोटा है, गरीब है, कमजोर है, तो बारी पक्की आएगी। फिर तो गारंटी आनी ही है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो मूर्ख थे वो समझ रहे थे ये क्या कर पाएंगे भाई, और जो बिचारे भक्त हैं वो तो मना रहे हैं, हे प्रभु कुछ भी हो जाए, बस 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 राम जी जो है वो एक बार जो है वो बस बस प्रत्यंचा चढ़ा ही दे, एक बार बस तोड़ दे इसको। वर्णन करते हैं माता जानकी स्वयंवर शाला में खड़ी खड़ी प्रणाम करती है गणेश जी महाराज को। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी महाराज, आज तक जितनी भी सेवा आपकी करी है मैंने इसी दिन के लिए करी है। ये कह रही है माँ कि जितनी भी महाराज आरतियां करी हैं, अगरबत्तियां करी हैं, जितने भी मोदक आपको भोग में लगाए हैं, जितना नाम आपको गायो है हमने जाए दिन के लिए गायो है, प्रभु गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करियो जो कि जे तो धनुष को उठा लें और फिर मैं इनके संग चली जाऊं। राम जी महाराज धनुष के पास में गए तो कहा कि गुरुदेव बाबा का धनुष है, तो गुरुदेव ने कहा तो बाबा को प्रणाम करिए, भोलेनाथ का नाम स्मरण करके मेरे बाबा का धनुष है। और वर्णन करते हैं कि जब मेरे प्रभु ने धनुष को स्पर्श किया है तो तोड़ने का प्रयास नहीं किया, बस खाली स्पर्श किया और वो स्पर्श करते ही वो अपने आप उठ गया महाराज। दम के उदामिनी जिमी जब लय हो, दम के उदामिनी जिमी जब लय हो, पुनि नब धनु मन डल सम भय हो, पुनि नब धनु मन डल सम भय हो, देख चढ़ावत के जत गाड़े, देख चढ़ावत के जत गाड़े, काहू न लखा देख प्रभु ठाड़े, काहू न लखा देख प्रभु ठाड़े, छन लखा देख प्रभु ठाड़े, तैछन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन गुन घोर कठोरा। मेरे प्रभु ने जब धनुष का स्पर्श किया तो वर्णन करते हैं कि किसी को अब वो दिख नहीं रहा। काहू न लगा देख प्रभु ठाड़े, कोई खड़े होकर देख नहीं पा रहा। और दम के उदामिनी जिमि जब लय हूं, पुनि नब धनु मंडल सम भय हूं, बिजलियां कड़कने लगी महाराज, बादल गरजने लगे, ऐसी आवाज आ रही है कि मानो सारे देवता देख रहे हैं ऊपर से।
लेख चढ़ावत, कई चत गाढ़े भगवान चढ़ा रहे हैं और कई चत गाढ़े खींच रहे हैं, तो काहू न लखा देख प्रभु ठाड़े, कोई देख नहीं पा रहा। और जब कोई देख नहीं पा रहा, क्योंकि बिजली चमक रही है, राम जी जहां खड़े हैं महाराज उसी स्थल पर, उसी स्थान पर, और राम जी का तेज ऐसा कि तेज झन राम मध्य धनु तोरा और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही भगवान ने धनुष के टुकड़े किए हैं तो स्तब्ध हुआ है महाराज पूरे आकाश मंडल में और सारे सारे संसार में जय जयकार हो रही है। तुलसीदास जी महाराज तो छंदबद्ध वर्णन करते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजो मारग चले, अरे भुवन घोर कठोर बाजी तजो मारग चले, करही दिगज डोल अही मही कोल कुरुम कल मले, कज डोल अही मही कोल कुरुम कल मले, हा कोल कुरुम कल मले, हा कोल कुरुम कल मले। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मा रग चले, चिकरही दिग्गज डोल अही मही कोल कूरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीनी सकल विकल विचारही, को दंड मंडे उखंड राम जय तुलसी जयति जय वचन उचारही, को दंड खंडे उ राम तुलसी जयति जय जयति वचन उचारही, ऐसा छंदबद्ध वर्णन किया। तुलसीदास जी महाराज अपने शब्दों में ये लिख रहे हैं कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष के टुकड़े किए, जब सारे जग में इनका जय जयकार, इनके नाम को सब गा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, माता जानकी को ला करके राजा जनक ने आशीष दिया, सब जानते हैं मेरे प्रभु ने माता जानकी के गले में जयमाल पहनाई, और सारे स्वयंवर के मध्य में, सभा के मध्य में सब लोग श्री राम जानकी जी की शोभा को निहार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। सब लोग प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करने की पंक्ति में सब राजा आपसी बधाई व्यक्त कर ही रहे थे, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो अभी भी ये कह रहे हैं कि पकड़ लो इसको, बांध लो इसको, जिसने हमारे सामने हमारी जानकी को जो ले जाएगा हम मार देंगे उसे। खर बरु देख बिकल सब नारी, सब मिली देह मही पन गारी, सब सब राजा जनक को गलत शब्द कह रहे हैं, सब राम जी से गलत शब्द कह रहे हैं। जब स्थिति ऐसी आ रही थी कि सारे राजा कुछ बधाई देने लगे, कुछ गारियां देने लगे, तो जब गारियां देने वाले राजाओं की तादाद बढ़ने लगी तो वर्णन करते हैं कि तेयब सर सुनी शिव धनु भंगा, तेयब सर सुनी शिव अब सर सुनी
शिव धनु भंगा आया हूँ भृगु कुल कमल पतंगा सर सुनी शिव धनु भंगा उसी समय ते अवसर सुनी शिव धनु जैसे ही मेरे बाबा के धनुष की टूटने की आवाज सुनी आया हूं भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी महाराज का प्रवेश हुआ है, मतलब आप सोचिए राम जी के जीवन में विपत्तियां कम आई है और किस किस मोड़ पे राम जी ने अपनी स्थिति को संभाला है। यहां राजा उनको मारना चाह रहे थे कि भाई हमारे सामने हमारी जानकी को ले जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा सोचने के लिए एकदम साधारण सा विषय लगता है कि कोई मारना चाह रहा हो हमें। सोचिए आप, कोई आपको मारना चाहता है और वहां राम और राम जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। उस समय भी लोग ऐसे थे जो राम जी को ही मारना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में रहने वाले सब प्रेमी ही थे क्या, और ऐसा नहीं है कि कलयुग में रहने वाले सब बैरी ही हैं क्या। उसी युग में रावण जैसा मिला है हमें और इस युग में मीराबाई जैसी मिली है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा आया हूं भृगु कुल कमल पतंगा। इक्कीस बार जिन्होंने आतताई क्षत्रियों को विहीन ही कर दिया संसार से। आतती क्षत्रिय जो राजकुमार थे, जो आतताई यानी कि जो दुराचारी स्वभाव वाले थे, सबको नहीं विहीन किया। परशुराम जी ने उन दुष्ट राजकुमारों को विहीन ही कर दिया इस संसार से, अपने फरसे से। सब डरते थे परशुराम जी से। ब्राह्मण है लेकिन बल अद्भुत है और मेरे बाबा के परम भक्त हैं। तो जैसे ही शिव धनु भंगा, जैसे ही खबर सुनी, क्रोध में ही आए अंदर और देखते ही नजर जब पड़ी है उस शिव पिनाक की ओर जो टूटा पड़ा है, मेरे बाबा के धनुष की ये गति कौन है? कौन है जो आज मेरे फरसा के सामने आने वाला है? और ये क्षत्रियों का समाज मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैंने आप लोगों को विहीन कर दिया था। कांपने लगे थे महाराज, वहां के राजा जो राम जी को मारना चाह रहे थे। परशुराम जी के आते ही कंपन मच गई सभा में। राजा जनक ने मर्यादा और विनम्रता का परिचय देते हुए अपनी पुत्री जानकी को बुलाया। उन्हें लगा पुत्री को आगे करूंगा, शांत होगा क्रोध इनका। देवी आशीर्वाद लो बेटा। माता जानकी को आगे किया तो थोड़े से शांत हुए परशुराम जी।
राजा जनक को लगा चलो ठीक है, मुनिवर आशीर्वाद दीजिए। स्वयंवर था, बस जो 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 इस शिव पिनाक को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री को वरेगा। तो जनक तोड़ा किसने मुझे नाम बताओ, तुम्हें तो दंड मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन नाम अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे बस ये बता दो कि तोड़ा किसने है, मैं उससे बात करने जाऊंगा अभी। कांपने लगे राजा, जो जो चाहते थे कि राम जी को उठा के ले जाएंगे, इन्होंने हमारी जानकी को हमसे छुड़ाया है, वो राजा जान मुझ के इशारा कर रहे हैं, वो उसने तोड़ा है वो। कांपते हुए डरते हुए तो उसी बीच मेरे प्रभु नाथ संबधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, क्रोध किया था परशुराम जी ने। तो राम जी ने सोचा मुझे आगे आना चाहिए, क्या कह रहे हैं, बोले नाथ शिव धनुष तोड़ने वाला और कोई नहीं आपका दास ही होगा, तुम कौन हो? मैं रघुकुल के राजा दशरथ, सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, संतों के चरणों का दास राम हूं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तुमने तोड़ा है नहीं, अगर तुमने तोड़ा है ये शिवजी का ये पुरातन पुराना धनुष तो मुझे बताओ, क्योंकि क्योंकि मुझे 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 उस शिवद्रोही का दर्शन करना है जिसने ये कार्य किया है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मेरे बाबा का धनुष था, उसने तोड़ा कैसे, ये तो मेरा फरसा अभी तक शांत क्यों है मैं बता नहीं सकता, अन्यत्र मेरे सामने कोई क्षत्रिय टिक नहीं सकता है इतनी देर, पर पता नहीं मैं चाह करके भी अपने फरसे का प्रहार नहीं कर पा रहा, पर तोड़ा किसने है ये बताइए। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो पुराना था, तोड़ा नहीं, हाथ लगाई थी महाराज सो ही टूट गया, हमने तो नए नए धनुष भी नहीं छोड़े और बचपन से ही धनुष तोड़ते आए हैं, कोई नया चीज नहीं किया है हमने। मुनिवर बोले तुम ज्यादा बोल रहे हो, छोटा वाला ज्यादा बोलता है बड़ा वाला शांत रहता है, ये कहीं तुम लोगों ने तो ये पढ़ा हुआ पाठ पढ़ा के तो नहीं आए कि एक शांत रहने का नाटक करेगा, एक थोड़ा सा उग्र रहने का नाटक करेगा, लेकिन बचोगे दोनों नहीं मेरे फरसा से। पर मेरा फरसा उठ क्यों नहीं रहा है, राम जी ने कहा
अरे आप स्वामी हैं, हम तो सेवक हैं प्रभु, हमसे गलती हुई है, मैंने तोड़ा है धनुष, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी बात पे ध्यान न दें, ये बालक है आपका, बालक की चपलता को पिता ध्यान नहीं देते, ऐसी बातों का प्रलंबन कर रहे हैं। परशुराम जी कह रहे हैं तुम्हारे इन बातों को सुन करके मैं पिघलने नहीं वाला, तुम्हें डर नहीं है, इसे डर नहीं है, मैं खड़ा हूं जब, और मेरे आगे ये इतनी बात कर रहा है, ये कह रहा है मेरे बाबा का धनुष पुराना हो गया था, ये सब कोई बातें कहने वाली होती है, मेरे 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 द्वारा तुम जैसे आतताई क्षत्रियों को इस पूरे ब्रह्मांड से मैंने विहीन कर दिया है, ये जानने के बाद भी तुम्हारे अनुज के वाक्यों को तुम सुन रहे हो? राम जी ने कहा मैं सुन रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं मुनिवर, और देखिए बात भय की नहीं है, हम सम्मान करते हैं आपका, और अगर आप प्रश्न करेंगे एक एक रघुवंशी से कि वो भय करता है कि नहीं, तो माफ करिएगा। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर जाना, कहूं सुभाव न कुलई प्रशंसी, कालहू डर ही नरन रघुवंशी। प्रश्न या अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम भय करते हैं कि नहीं, तो माफ कीजिएगा प्रभु, ये जो विनम्रता हम दिखा रहे हैं, विवेक दिखा रहे हैं, ये जो आपको लग रहा है ये हमारा स्वभाव है, किसी ब्राह्मणों के ऊपर हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, नारी के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, अपने वचनों को भी हम नहीं ऊंचा करते हैं, वो तो आप जिस रूप में आए मेरे छोटे भाई ने उस रूप में जवाब दिया आपको, याद करिए आप आए ही उग्र रूप में थे, और ये मेरे से छोटा है, इसका मेरे प्रति मोह है, तो थोड़ा सा कोई अगर मेरे सामने आकर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करे जो थोड़ा ऊंचा हो, तो ये मेरी ओर से उत्तर दे देता है कभी कभी, लेकिन ये बालक है आपका, सेवक है, गलती हो गई इससे, पर आप भी उग्र रूप में ही आए मुनिवर, आपने अगर प्रेम से पूछा होता तो हम तो कह ही रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई किसी आपके दास ने तोड़ा है, पर अगर आप ये कहोगे कि हमें भय करना चाहिए, तो कालहू डर ही नरन रघुवंशी, इस संसार में कोई है नहीं जिससे हम डरते हैं, माफ करना, कोई भी हमारे आंखों के सामने अगर खड़ा हो जाए तो हम उसे चुनौती दे सकते हैं रण संग्राम में, युद्ध में, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप तो स्वामी हो हम क्षत्रियों के, प्रभु हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम आप पर आक्रमण करें, क्योंकि आप तो नाथ हैं हमारे, हमने यही सीखा है कि विप्रधेनु, चाहे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गौ माता हो, चाहे देवता हो या संत हो, इनकी सेवा करें, और आप तो विप्र है महाराज, विप्रवंश के असि प्रभुताई, आपकी प्रभुता ऐसी है कि हम समस्त क्षत्रिय हम तो बने ही हैं कि हम सब आपके चरणों की सेवा करें, तो नाथ आप मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गए शब्दों पर ज्यादा ज्यादा गौर न करें, ज्यादा ध्यान न दें, ये बालक है ना, इसकी चपलता को ज्यादा हम न ध्यान दें, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन स्वयंवर था, आदेश था, और ये रीति थी तो मुझे करना पड़ा, और सत्य बताऊं तो मैंने तोड़ा नहीं, मैंने बस स्पर्श किया था कि टूट अपने आप गया। जीवन में पहली बार परशुराम जी को किसी ने अपनी वाणी से मौन कराया है, अन्यत्र क्षत्रियों के सामने परशुराम जी कभी इतने मौन पड़ते नहीं है, तो उनको लगा कि ये कोई साधारण क्षत्रिय मुझे समझ में नहीं आ रहे, और परशुराम स्वयं भगवान के एक अवतार हैं, तो परशुराम जी के मन में एक भावना जगी कि आज तक तो किसी ने ऐसा दर्शन या ऐसा उत्तर तो नहीं दिया, जो परशुराम को मौन करे वो तो कोई राम ही हो सकता है, जिसके अंदर ऐसा सामर्थ्य हो कि उसकी सुंदर सूरत को देख करके, वो परशुराम जिसने क्षत्रियों के सामने फरसा निकालने में क्षण भर की देरी न की हो, आज वो किसी क्षत्रिय के सामने फरसा निकालना तो छोड़ो सोचने में भी नहीं बन पाया महाराज,
कि मैं मारूं इनको। ऐसी सुंदरता, ऐसी बुद्धि का परिचय, ऐसा प्रत्युत्तर देना और ऐसी विनम्रता का दर्शन मैंने आज तक नहीं किया। और परशुराम जी ने मेरे प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे मन की एक इच्छा है। क्या है इच्छा? बोले जिस धनुष को आपने तोड़ा है आप उस धनुष को लीजिए। हाँ, और आप एक बार अगर ये धनुष ले लेंगे ना अपने हाथ में, और अगर ये धनुष आपके पास में आ जाएगा तो मेरा सारा संशय दूर हो जाएगा। परशुराम जी को समझ में आ जाएगा कि वही सारंगधारी ये वही है। मैं एक बार बस देखना चाहता हूं कि राम रमापति कर धनु ले हूं, राम रमापति कर धनु ले हूं। देखो परशुराम जी ने जब देखा कि मेरे प्रभु ने शिव धनुष तोड़ दिया था, तो ये अब जो धनुष दे रहे हैं मेरे प्रभु को परशुराम जी, वो विष्णु जी का धनुष है। प्रेम से बोलो। तो ये देखना चाह रहे थे कि ये विष्णु जी का धनुष है, ये किसी और के हाथों में जा नहीं सकता, जाएगा नहीं। वो धनुष अगर किसी के हाथ में जाएगा तो केवल भगवान विष्णु के ही हाथ में जाएगा और जा सकता है। और परशुराम जी यही देखना चाहते हैं कि ये जो मैं धनुष दूंगा ये जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो किस प्रकार जाएगा। इसलिए राम रमापति कर धनु ले हूं, राम रमापति कर धनु ले हूं, खेचे हूं मिटे मोर सन को खींचेंगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। प्रभु आप करिए। ऐसा जैसे ही करने को परशुराम जी ने कहा, और जैसे ही धनुष थोड़ा सा देने को हुए तो वर्णन करते हैं, देत चाप आप ही चली गया, देत चाप आप चली गया, परशुराम मन विस्मय भयाऊ, परशुराम मन विस्मय भयाऊ, परशुराम मन विस्मय रमापति कर धन ले हूं, धनुष लीजिए। ये धनुष ले लेने से मेरा संदेह दूर हो जाएगा। तो धनुष देने को जब उद्यत हुए तो पता चला कि देत चाप आप ही चली गयऊं, और परशुराम मन विस्मय भयऊं, सारा संदेह दूर हो गया। सोचो भरी सभा में कोई धनुष दे रहा हो और देते समय वो धनुष अपने आप ही चले जाने लग जाए। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कोडंड खंडे ओ राम तुलसी जयति वचन उचारही। सब जय जयकार कर रहे हैं।
प्रेम से बोलो जय श्री राम। हो कि मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देखो नाच नहीं सकते तो ताली जरूर बजाना ठुमुक ठुमुक के, और पूरे पूरे हाथ उठाओ। हमारे बनवारी भगवान, हमारे सरकार के विवाह उत्सव में हम प्रवेश करेंगे, उससे पहले वाणी को सुमधुर बनाते हुए पूरे पूरे जय जय। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने पहचान लिया। ओ तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, ओ तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, बस रख ले इतनी देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बोली रामचंद्र भगवान की। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना, बिन मांझी के नाव चलेना, तू पतवार पकड़ लेना, बिन मांझी के नाव चलेना, अब पतवार पकड़, मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, वो अपने
देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का इज्जत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु तो बड़े हैं दानी, नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु तो बड़े हैं दानी, नाम और इज्जत क्या मांगे। बस एक ही इच्छा है, एक ही मांग है कि मेरे दिल की तमन्ना यही है, 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 बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो। सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो। कृपा कर दीजिए, पकड़ो मेरा हाथ, अब तो कृपा कर दीजिए, पकड़ो मेरा हाथ, अब तो कृपा कर दीजिए, पकड़ो मेरा हाथ, अब तो कृपा कर दीजिए, पकड़ो मेरा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अनंत आनंद है। वर्णन करते हैं कि तीसरा ले आओ माता जानकी अति प्रसन्न हुई हैं, कारण परशुराम जी का क्रोध भी शांत हुआ और उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया है। राम जी ने कहा, नहीं यहाँ पे आप प्रणाम न करें, यहाँ तो मैं करूंगा। मन में आपको जितना करना है कर लीजिए, लेकिन व्यवहार जगत में मेरे प्रभु ने अनंत प्रणाम किया परशुराम जी को और बहुत आशीष दिया है परशुराम जी ने। जनक जी महाराज ने कहा कि दूत भिजवाओ, राजा दशरथ
अयोध्या समाचार पहुंचे और राजा दशरथ के यहां दूत भेजे गए। जब दूत भेजे गए तो दूतों का स्वागत राजा दशरथ ने किया है, ये जानते हुए कि मेरे पुत्रों का समाचार लेकर आया है। तो दूत को दूत नहीं देव मानकर सत्कार किया जा रहा है महाराज। राजा दशरथ ने उस दूत का स्वागत किया, पत्र पढ़ रहे हैं जो पत्र लिख करके आया है। तो एक एक पंक्तियों को पढ़ते हुए राजा दशरथ के नेत्रों में अश्रुओं के पनारे निकल रहे हैं महाराज। पिता के लिए इससे बड़े खुशी की बात और क्या कि सारे त्रिभुवन में जय जयकार हो रही है मेरे संतान की। जब से प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष के टुकड़े किए, सारा संसार प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहा है। उनके अनंत बल, पराक्रम, कौशल की चर्चा उस प्रत्येक पत्र में, प्रत्येक पंक्ति में यही वर्णन है। किस प्रकार से संतों की रक्षा करते हुए दोनों भाइयों ने सुबाहु, मारीच, ताड़िका जैसे आतताई राक्षसों का उद्धार किया। किस प्रकार गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जनकपुर में गए, जनकपुर की शोभा बढ़ाई, और किस प्रकार जनकपुर के उस राजा जनक की नंदिनी जानकी जी को स्वयंवर में जीता है। इन सभी प्रसंगों का वर्णन सुनकर के राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। अपने दोनों सुकुमारों को, भरत शत्रुघ्न को लेकर सुमंत्र आदि सभी साथियों के साथ अयोध्या से रवाना हुए हैं, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। और वर्णन करते हैं कि जैसे ही पूज्य पिताजी के आने की खबर राम जी ने सुनी तो अति हर्षित हुए हैं, आनंदित हुए हैं। और राजा दशरथ के आते ही मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनको पहले प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद मेरे श्री राम दौड़ते हुए गए हैं, भरत लाल को गले से लगाया मेरे प्रभु ने। भरत जी के आगमन पर भरत जी के आने की ज्यादा खुशी होती है राम जी को, और भरत जी को भी राम जी के आने की ज्यादा खुशी होती है। यद्यपि राजा दशरथ प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, राम जी भी पिता से मिलकर के खुश हुए, लेकिन भरत से मुलाकात जब मेरे प्रभु करते हैं तो नेत्रों से जल अपने आप ही निकल जाते हैं महाराज। अनंत स्नेह करते हैं राम जी भरत लाल से। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम जी, अरे नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मेरे प्रभु आज दूल्हा बन रहे हैं, कितने सुंदर हैं मैं आपको बताऊं क्या? आप लोग देख ही लो महाराज। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होशु दशरथ अजेर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होशु दशरथ अजेर भवन अमंगल हारी, द्रव होशु दशरथ अजेर बिहारी। श्री राम देखिए सब बैठे रहे, मेरे प्रभु श्री राम को यजमान श्री आकर प्रणाम करेंगे, और राम जी को एक बार प्रेम पूर्वक हम उनके स्थान पर बिठाएं। सब प्रेम पहले राम जी को बिठाएं।
सब लोग दर्शन करो, कथा श्रवण करो, राम जी आए हैं। देखिए जो सामग्रियां हैं बधाई की, जो यजमान परिवार की ओर से आनी है वो तो हमारे पास आई जाएगी, लेकिन जो सलारपुरिया ग्रीनेज में रहने वाले आप सभी लोग पधारे हैं, जो श्री राम जी के विवाह उत्सव में अर्पित करना चाहते हैं, जो भी मांगलिक वस्तु हो या हम धन के माध्यम से श्रद्धा अर्पित करेंगे, हमारे आचार्य श्री जो थाल लेकर आपके समक्ष जाते हैं, आज राम जी के विवाह के उपलक्ष में हम अर्पित करें, और एकदम हृदय से अर्पित करें, श्रद्धा से अर्पित करें। राम जी का विवाह है महाराज, जितना हो हृदय से प्रेम से अर्पित करना, लेकिन मर्यादित रूप में। आप लोग नहीं उठेंगे, हमारे आप लोगों के पास में आचार्य श्री चले जाएंगे, लेकिन वो भी तब जब बधाई का समय आएगा, अभी नहीं। अभी कथा श्रवण करो, सब बैठ जाओ, जो अपने स्थान पर खड़े हैं वहीं बैठ जाओ, प्रेम से बोलो जय श्री राम। पूजन भी बाद में ही होगा, राम जानकी जी दोनों का एक संग करेंगे। पहले राम जी का स्वागत किया, सब लोग निहारो राम जी के स्वरूप को, प्रणाम करो। मेरे प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हैं। अद्भुत शोभा है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। राम जी कैसे लग रहे थे, कह रहे थे कि शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे, देख राम छवि विधि हर्षाने आठ ही नयन जानी पछताने। शंकर जी, मेरे प्रभु श्री राम जी की जो छवि है, सुंदरता, उसको निहार रहे हैं। कितने नेत्रों से बोले, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे। मेरे भोलेनाथ के कितने मुखारविंद हैं पता है? पांच। तो पांच मुख वाले भोले बाबा के नेत्र कितने हुए? 15। तो नयन पंचदश, पंचदश का मतलब होता है 15, और राम जी की सुंदर छवि को मेरे बाबा 15 नेत्रों से देख रहे हैं और कह रहे हैं मैं कितना बड़भागी हूं। और ब्रह्मा जी जो है वो रूस गए महाराज, वो रूस इसलिए गए क्योंकि शंकर जी को तो 15 नेत्रों से लाभ मिल रहा है, लेकिन देख राम छवि विधि हर्षाने आठ ही नयन जानी पछताने। ब्रह्मा जी के मुख चार हैं तो नेत्र कितने हुए? तो 8 नेत्रों से जब देखते हैं तो तुलना कर रहे हैं, बोले बाबा को तो 15 नेत्रों में सुख मिल रहा है, हमको 8 में ही मिल रहा है, तो 8 ही नयन जानी पछताने, पछतावा हो रहा है इनको कि काश नेत्र और होते। लेकिन इस मामले में कार्तिक स्वामी देखो बड़े बड़े भाग्यशाली है, उनको 12 नेत्र है उनके पास में, क्योंकि मुख कितना है कार्तिक स्वामी का? 6। हाँ, षट बदन है, षडानन है, 6 मुख वाले हैं कार्तिक स्वामी, बड़े ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। और इंद्र देवता तो आज इतने आनंदित हो रहे हैं कि पूछो मत, क्योंकि उनको गौतम ऋषि का श्राप लगा है कि ये तो महाराज 1000 नेत्रों वाले हो जाएंगे। तो आज देखो 1000 नेत्र हैं, श्राप भी वरदान साबित हो गया, इंद्र 1000 नेत्रों से मेरे भगवान की छवि को देख रहा है। बताए आपको मेरे प्रभु श्री राम जिस घोड़े के ऊपर विराजमान है, वो घोड़ा सफेद रंग का श्वेत वर्णीय है, और वर्णन आता है कि वो घोड़ा और कोई नहीं साक्षात कामदेव है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कहते हैं कि कामदेव के ऊपर मेरे प्रभु श्री राम विराजमान है, इतने सुंदर लग रहे हैं। किसी ने कही कि कामदेव जो घोड़ा बनकर के राम जी के नीचे बैठे हैं, तो कामदेव घोड़े के रूप में मेरे भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। बोले अब जलाओ, प्रेम से बोलो जय श्री राम। पहले तो जला दिया था, अब जला के दिखाओ, अब जला के दिखाओ। तो मेरे भोले बाबा कह रहे हैं, बोले अरे भाई अब नहीं जलाएंगे, अब इसलिए नहीं जलाएंगे, बोले अब तुम्हारी लगाम राम के हाथ में है इसलिए नहीं जलाएंगे, तब तुम्हारी लगाम राम के हाथ में नहीं थी इसलिए जला दिया था,
और वो जीव जल ही जाता है जिसकी लगाम श्री राम जी के चरणों के प्रति आश्रित नहीं है। जो राम जी के चरणों के प्रति आश्रित है फिर वो चाहे कामदेव ही क्यों ना हो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, जैसे हुआ था मेरे बाबा, उसको भी कुछ नहीं बोलेंगे ना ही जलाएंगे, कुछ नहीं हो सकता उसका जिसकी लगाम राम के हाथ में है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और मेरे प्रभु इतने सुंदर लग रहे हैं और इन्हीं के जैसी सुंदरता है। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर। देखो आप लोग ताली बजाओ, आप लोगों की ताली अगर बजती रहेगी तो मुझे आनंद आता रहेगा। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति मोर मनोहर ताई। सिय सुंदरता बरनी न सुंदरता बरनी न जाई। माता जानकी इतनी सुंदर लग रही है कि उनकी सुंदरता वर्णन नहीं करी जा सकती, वर्णन नहीं किया जा सकता। सीय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी लघुमति, मेरी मति बहुत छोटी है और माता जानकी की सुंदरता अधिक। क्या कोई बखान करे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि श्री राम जानकी जी के इस स्वरूप का हम दर्शन भी करें, आनंद भी लें। यहां हमारे आचार्य श्री द्वारा पुरुषोक्त का वाचन किया जाएगा, उससे पूर्व हम जयमाल का आनंद श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। अभी आप सब लोग देखो निहारो, हमारी माता जानकी और हमारे प्रभु श्री राम जी के हाथ में जयमाल है। देखिए माता जानकी पहले मेरे प्रभु श्री राम को जयमाल पहनाएंगी। ओम, सब लोग देवता निहाल है रहे हैं कि जिस शिव पिनाक को उठाकर सबके सामने त्रिभुवन विजय होकर मेरे प्रभु ने सभी राजाओं के मान का मर्दन किया, परशुराम को संतुष्ट किया और राजा दशरथ के नेत्रों को सजल करते हुए मेरे प्रभु श्री राम खड़े हैं, माता जानकी उनके सामने विराजमान है। और देखो प्रेम से बोलो हमारी माता जानकी जयमाल लेकर के खड़ी है, राम जी से कह रही है झुकने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु अरे झुक जाओ राजकुमार। जो लोग चाहते हैं राम जी झुक जाएं, मैं चाहूंगा बैठे जो हैं वो बैठे ही रहें, खड़े जो हैं वो खड़े ही रहें। ताली बजाकर रामचंद्र जी और जानकी जी तो ऐसे ही खड़े रहेंगे क्योंकि राम जी झुकने वाले हैं नहीं और हम सलारपुरिया ग्रीनेज वालों को राम जी को झुकाना है। तो जो माता जानकी के लिए राम जी को झुकाना चाहते हैं वो लोग मेरे साथ झुक जाओ राजकुमार। झुक नो झुक जाओ राजकुमार, झुक नो पड़
गीता बोली सी मारी सीता बोली सी मारी सीता बोली सी मारी सीता बोली सी ते चतुर छोटी सी मारी सीता छोटी सी मारी जान की छोटी सी मारी जान छोटी सी थे लंबा थे लंबा घना सरकार झुक नो पर झुकनो पड़सी झुकनो पड़सी आ झुकनो पड़सी रामा झुकनो पड़सी प्रणाम करो तो गोरी है प्रभु लेकिन थे तो महाराज थे श्याम थे श्याम थे श्याम वरण सरकार झुकनो पड़सी जी थे श्याम वरण सरकार झुकनो पड़सी झुकनो पड़सी रामा झुकनो पड़सी झुकनो पड़सी रामा झुकनो पड़सी झुकनो पड़सी रामा झुकनो पड़सी झुक जाओ झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी
रामचंद्र भगवान की। सारे उलाहने दे दिए जाने के बाद में देखो अब क्या हुआ। इतना सुन कर झुक गया, इतना सुन कर झुक गया। देखो ताली बजाओ सब कोई जोरदार, बोलिए रामचंद्र भगवान की। हो इतना सुन कर झुक गया, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन। देखिए अभी यहाँ यजमान श्री द्वारा पूजन होगा और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपको जो अर्पित करना है एक आचार्य श्री थाल लेकर जाएंगे। मैं मेरे आचार्यों के साथ में पुरुष सूक्त का वाचन करूँगा, तत्पश्चात हम आगे की क्रिया में बढ़ेंगे। आइए सब लोग हाथ जोड़ें, यजमान श्री पूजन कर रहे हैं भगवान का, आप लोग भी पूजन करें। और हरि ओम सहस्र शेर का मुरुग सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुक एवेदगवं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पूरुकः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वा उदयत् पुरुकः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं विक्रामत् सा शनान शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुकः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञात् सर्वहूतः संभृतं भृगदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मादज्ञात् सर्वहूतरिकः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो ह जगिरे तस्माद्जाता अजावयः तं यज्ञं वरयिकि प्रोक्षं पुरुकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयशये यत्पुरुकं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्
मुखम किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादौ चेति ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्याघ्रं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्वं शेष्णो द्यौहौ समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्न यत्पुरुकेण हविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोषासीदाज्यं ग्रीक्म इद्महश्चरद्दविः सप्ताशासन् परिदयस्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तनवान अवनन् पुरुगं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रेम से बोलो जय श्री राम यहां मैं उपस्थित आप सभी सलारपुरिया ग्रीनेज के वासियों को बहुत बहुत मेरे श्री राम जानकी विवाह के मंगल महोत्सव की अनंत बधाई देता हूं आप सबों के घर में इस प्रकार का महोत्सव और मेरे प्रभु का आगमन माता जानकी के साथ आजीवन बना रहे मेरे प्रभु श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की आपको अनंत बधाई स्वीकार हो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय हमारे परम आदरणीय श्रीमान राकेश जी लोहिया एवं उनके अनुज श्रीमान विकास जी लोहिया के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से निनाद करें हम और इनके पूज्य पिताजी और इनके पूज्य माता जी की परम अनुकंपा कृपा से आज दोनों पुत्रों ने श्री राम एवं भरत होने का परिचय देते हुए अपने पूज्य पिताजी के निमित्त श्री राम कथा का भी आयोजन सफलता से कराया है मैं पुनः जोरदार करतल ध्वनि से नाद करने का आदेश आप लोगों को आज्ञा करता हूं एक बार सुना थोड़ी सी जोर से बजा दो बोलिए राजा राम सरकार की जय और ठीक कर दो भाई मैं हमारे आने वाले आतिथि आगंतुक मेहमानों की चर्चा कर रहा था लेकिन आप सभी बेंगलोर के वासियों से मैं परिचित कराऊं आप श्री हमारे देखिए मेरा इनके साथ में परिचय यद्यपि ये आपके बेंगलोर के निवासी हैं और बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं पूज्य बाबू जी की परम कृपा इन पर भी है और राकेश जी इनके भाई ही हैं मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि आप श्री के पूज्य पिताश्री ने सिवान की परम रम्य भूमि में बिहार की परम रम्य भूमि में मुझसे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था मैं वहाँ सिवान की परम रम्य भूमि पर आप श्री के पूज्य पिताजी के यजमानत्व में कथा करने पहुँचा था जहाँ पर मुझे परम मित्र के रूप में इनके सुपुत्र गैरी से मेरी भेंट हुई और एक भक्त कहो समाज सेवी कहो साथी कहो सहयोगी कहो यजमान कहो आप श्री से मेरा परिचय शिवान की उस परम रम्य भूमि और प्रभु की कथा से हुआ मैं अगर बेंगलोर कभी आता हूँ तो अब तो चूंकि मेरा घर तो बहुत है यहाँ मेरे घर वाले बहुत हैं उनमें से एक की अगर मैं चर्चा करूँगा तो वो मेरे बाई और खड़े हैं श्रीमान विनीत जी मैं चाहता हूँ कि एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका और इनकी धर्म पत्नी जो कि श्रीमती आरती देवी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनकी भक्तिपूर्ण भावना
और श्रद्धा मेरे प्रति सदैव रूप से अगाध रही है, और आप श्री मेरे लिए एक बड़े भाई कहो, यजमान कहो, मित्र कहो। मैंने जैसा कि पहले भी चर्चा करी, मेरा इनके प्रति और इनका मेरे प्रति बड़ा अनंत स्नेह है, और अपने स्नेही जनों की व्याख्या मैं अक्सर अपने मंचों से करता हूँ। और एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम श्रीमान विनीत जी के लिए उद्बोधन प्रकट करें। और ये आपके बगल में ही जो कैडेंजा एक अपार्टमेंट है, जो यहाँ से 5-7 मिनट की दूरी पर है, आप श्री वहीं पर निवास कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत आशीष। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो बंधु ये आप लोगों का प्रेम है जो मुझे मिलते आया है और मिलते रहेगा, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। देखिए बंधुओं, आप लोगों से मैं पुनः नम्र निवेदन करूं, मेरे प्रभु श्री राम जी का विवाह और माता जानकी जी के साथ में हुआ। राजा जनक के एक भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज। माता जानकी, मांडवी जी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला, ये दोनों राजा जनक और कुशध्वज की पुत्रियां हैं, और उस कुशध्वज की कन्याओं के साथ में विवाह कुल मिलाकर के राजा दशरथ के 4 पुत्रों का और कुशध्वज और राजा जनक की कन्याओं के साथ में हुआ है। बहुतों को लगता है कि राजा जनक की ही 4 पुत्रियां हैं, ऐसा नहीं है। कुशध्वज की 2 कन्याएं थीं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जी का विवाह माता जानकी जी के साथ में हुआ, भरत जी का विवाह माता मांडवी जी के साथ में हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ में हुआ, शत्रुघ्न लाल ब्याहे गए माता श्रुत कीर्ति को। मेरे प्रभु का जब विवाह हुआ है तो वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहला उदाहरण दिया कि संसार में ये पहला ऐसा संबंध हमने देखा है जहां कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है। ये समाज और समाज में रहने वाले मूर्ख लोगों के द्वारा बनाया गया है कि वर पक्ष हैं तो थोड़े से बड़े हो गए और जो वधु पक्ष है वो थोड़े से नीचे हो गए। हम तो जी लड़की वाले हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और हम तो जी लड़के वाले हैं। ये जो एक लड़के वाले और लड़की वालों का ये जो एक नया भेद निकला है समाज में, ये एकदम ठीक नहीं है। और दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जितनी जितनी महत्वता एक पुत्र की है, उतनी ही महत्वता आपके पुत्री की है। उस घर में अपनी पुत्री को आप ब्याहिए मत जहां पे इस प्रकार की विचारधारा बह रही है। और राजा दशरथ ने राजा जनक से हृदय लग करके यही कहा कि मैं आपसे आपकी पुत्री नहीं ले रहा, आपको अपना पुत्र दे रहा हूं। और यही कहते हुए संबंध बना करके रखा है कि आप ये मत विचार करिएगा कि मेरे यहाँ कोई बहू आ रही है। और ये मैं आपको सत्य बताऊं, राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों को बुला करके कहा कि जो बहू आ रही है चारों हमारे यहाँ, जिस प्रकार ये पलकें आंखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तुम मेरे बहुओं की करना। प्रयास करिए कि आपके यहाँ जो विवाह करके आ रही है, हम उसे कुछ दिनों तक प्रारंभ के सत्र में संभलने का समय दें। और बहू अगर जानकी जैसी चाहिए तो सास कौशल्या जैसी बननी पड़ेगी, बनना होगा। और ये कहते हुए राजा दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को लेकर के अयोध्या आए हैं। माता कैकेयी ने माता जानकी को प्रसन्नता पूर्वक
सोने का महल दिया, कनक महल दिया, जो आज भी अयोध्या जी में विद्यमान है भाई साहब, और अद्भुत है। उस कनक महल में जाकर आप देखो, राम जानकी जी की अद्भुत शोभा है जो माता कैकेयी ने उनको प्रदान करी है। माता सुमित्रा ने अनंत आशीष दिया, माता कौशल्या की बारी आई तो उन्होंने माता जानकी के हाथ को पकड़कर राम जी के हाथ में दे दिया और ये कहा कि इससे अनमोल वस्तु मेरे पास तुम्हें देने के लिए दूसरी कोई और है ही नहीं। ये कहकर माता कौशल्या ये भी कह रही है, प्रेम से बोलो, सीताराम चंद्र भगवान की जय। प्रयास करिए आप कि जिस बहू को ब्याह करके आप लेकर आ रहे हैं उसका सम्मान केवल उसका पति ही नहीं अपितु घर में रहने वाले सब करें। माता जानकी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला और मांडवी को पुत्री रूप में राजा दशरथ ने अपने राजमहल में उनका स्वागत कराया है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आगे की कथा प्रसंगों की चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आज विवाह हुआ है, कल देखो क्या होता है, और कल के प्रसंगों में श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं पुनः हमारे लोहिया परिवार जी की भक्तिपूर्ण भावना, मुझे इतना आनंद मिल रहा है यहाँ जिसकी मैं आप लोगों को शब्दों में वर्णन करके श्रवण नहीं करा सकता। बस देखिए, 5 दिन बीत गए हैं, 4 दिन और बचे हैं, आधे से ज्यादा सत्र बीत चुका है, तो प्रयास करिएगा आनंद का ये समय। आप खुद सोचो, 5 दिन निकल गए, 5 दिन निकलने में कितना समय लगता है। और मैं तो ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कल छठा दिवस है, छठा दिन है, और ऐसे ही आनंद श्रवण करते करते 9 दिन बीत जाएंगे, मालूम नहीं चलेगा, फिर याद आएगी और फिर शायद 1.5-2 साल में मैं आ जाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ, लेकिन अभी के इस 5 दिनों का जो हमने आनंद लिया है, षष्ठम दिवस में कल प्रवेश करेंगे 2:55 पर, सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की।